कृपया ध्यान दें, चेन्नई से नई दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 4:30 पर रवाना होगी। सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं। ओ, ये कितने हैं? 2 दिख रहे हैं ना? तो तब क्यों नहीं दिख रहा था? देखो, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर जब वो झूठ बोलने वाला मर्द हो। तुमने देखा, अच्छा लगा, इसलिए धक्का दिया, तो फिर झूठ क्यों बोला? देखो, निहारने के लिए ही ऊपर वाले ने औरत को बनाया। जब से मैं स्टेशन में आई, पोर्टर से लेके एसी कोपे में जाने वाले वीआईपी तक मुझे देख के लाल टपका रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी तुम्हारी तरह धक्का मारने की। आई लाइक इट। थैंक यू मैडम। तो फिर एक सेटलमेंट हो जाए। सेटलमेंट? क्यों घबरा गए? अच्छा, शादी कब करें? शादी कब करें? आज शाम को 4:30 और 6 बजे के बीच अच्छा मुहूर्त है। हमारी शादी देवी माँ के मंदिर में करें या गणेश जी के मंदिर में? मैडम वो क्या है कि सोच क्यों रहे हो? क्रिश्चियन हो तो चर्च में कर लेते हैं, अगर मुस्लिम हो तो निकाह कर लेते हैं। बोल मेरे राजा, टिकट कैंसिल भी तो करने हैं। डार्लिंग, ये सब एंजॉय करने के लिए, बीच में शादी किस लिए? देखा, निहारा, धक्का मारा, मन को खुशी मिल गई। शादी तो बहुत बड़ी बात होती है ना, जिसे बुजुर्ग बैठकर तय करते हैं। आप दिल्ली होकर लौट आइए, उस बीच में अपने माँ बाप से पूछकर। क्या? अपने माँ बाप से पूछकर। धक्का मारने से पहले माँ बाप से पूछ के आया था क्या? तूने धक्का दिया, मैं सेटलमेंट कर रही हूँ, अब जाके माँ बाप से पूछने को कह रहा है? धक्का देने से पहले पूछ के आया था वे। अब मेरी बात सुन, मैं पूछ के आई हूँ कि ऐसे धक्का मारने वालों के साथ क्या करूं? धक्का मारे? कोई पास नहीं आएगा वरना उसे बीमार पड़ेगी। रोमी समझता है प्रिंस बन गया तो हीरो बन गया, आज के बाद कभी धक्का नहीं मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा। बोल बोल, रोना मत, रोना मत, मर्द होएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, वो उसे मार क्यों रही है? उसने लड़की को छेड़ा होगा, इसीलिए लड़की सैंडल से मार रही है। उठ, उठ, निकाल 199.50 रुपए। किस लिए? बाटा शोरूम में ऐसे ही लेते हैं, 200 रुपए पूरा नहीं लेते, 199.50 रुपए। निकाल निकाल, मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से ये चप्पल खरीद के मुझे दी, तूने धक्का दिया और मैंने मारा, अब ये चप्पल टूट गई है, खरीद के कौन देगा मुझे? निकाल निकाल। मैं आपको हीरो समझ रहा था। ये रख, ये ले 50 पैसे। किस लिए? पाटा शोरूम में खरीदने के बाद ऐसे ही बाकी चिल्ड्रन देते हैं। ओए, ले पकड़ पकड़ ऐसे, अब बिना पलटे खिसक यहाँ से, भाग यहाँ भाग। ये आपके हैं? तो रखने से पहले आपने नहीं बताया? नहीं, ये आप यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकती हैं, वहाँ रख सकती हैं। By the way, I'm Priya from Ooty. Nice meeting you. मैं कोयम्बतूर। कोयम्बतूर? मेरा गांव कोयम्बतूर है, नाम है सूर्या। आपकी हंसी बहुत सुंदर है, इसी तरह से मेंटेन कीजिए। ओके, आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मुंह लटका के नहीं, हंसते खेलते मजा करते हुए जा सकते हैं। ओके, आपके लिए कुछ कॉफी टी मंगाऊं? नहीं। क्यों? आदत नहीं है। ओके, बुक्स पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। तो वही हो जाए? नहीं। अच्छा, पैसा बचाने की सोच रहे हैं? कैसे कंजूस मकीचूस हैं आप। ठीक है, बुक मैं ही खरीदती हूँ। कैसी बुक पसंद है, वेज या नॉन वेज? बुक में ये वेज नॉन वेज कैसा?
मैं समझे नहीं। नहीं समझे, ये प्लेबॉय जोक, सेक्स वगैरह जो है वो नॉनवेज है। नहीं नहीं, वो सब नहीं चाहिए, वेज चलेगा। ओके, तो कदम्बिनी, मुक्ता, सरिता, ग्रह, शोभा, आत्मज्योति, वो सब तो सूटकेस के अंदर है, पिताजी ने सब देकर भेजा है। व्हाट अ मैन या। बाबा भगवान के नाम पे दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, खुश रहे बाबा। माँ पैसा दे दे मामा, चार दिन से खाना नहीं खाया माँ, खुश रहो माँ। बाबा पैसा दे दे बाबा। जी जी पैसा दे दो जी जी। हेलो, पैसा मत देना। ये क्या बाबू जी, एक तो आप पैसा नहीं दिए, अब जी जी पैसा दे रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं। जी जी पैसा दे रहे हैं। देखने में अट्टा कट्टा है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। कहा करी बाबू जी, 40 दिन हो गए इलाहाबाद से आया, अभी तक काम नहीं मिला, खाए के लिए पैसा नहीं है तो भीख मांग रहे हैं, कहा करें बाबू जी, मजबूरी है हमारी। क्यों, कलेक्टर का काम ढूंढ रहा है या तहसीलदार का? बाबू जी जो काम मिलेगा करेंगे हम। का बाबू जी, हम तो 44 ठहरने की उम्मीद किया रहा, आप तो पूरा 200 दिए। रुका रहा हूँ, चल मेरे साथ। बाबू जी चल, बाबू जी हमका छोड़ दे, पुलिस पुलिस करना दियो बाबू जी। बाबू जी बहुत गरीब आदमी है, चल मेरे साथ, घर इलाहाबाद वापस चले जावे। बाबू जी रहने दो, छोड़ दो हमका मालिक, छोड़ दो बाबू जी। सुनो, बोलिए। सरिता, मनोहर, कहानियां, इंडिया टुडे जो अभी अभी आई है उनकी 5-5 कॉपियां दो। अच्छी बात है। किस लिए साहब? मेरी बात सुन, ट्रेन के अंदर कितने ही यात्रियों को मैगजीन खरीदने की इच्छा होगी, लेकिन उतरने पर कहीं ट्रेन ना छूट जाए, सीट ना चले जाए, सोचकर वो ट्रेन में बैठे रहते हैं, इसलिए ये सब तू खरीद कर वहां जाकर बेच दे। बेचते वक्त इंडिया टुडे 10 रुपए, 50 पैसे ऊपर से दे दीजिए ऐसा बोल, मनोहर कहानियां 20 रुपए, 50 पैसे ऊपर से दे दीजिए ऐसा बोल, वो देंगे तो लोग देंगे बाबू जी। हे मैं बोलकर भीख मांगता है ना, ये बेचना उससे कहीं गुना अच्छा है, सच्चे मन से मांगना जरूर मिलेगा। चल भैया वो सारी बुक दे दीजिए। ये लीजिए। कौन है ये इतनी सारी सिक्योरिटी? अरे ये तो हीरो है, फिल्मी नहीं मिलिट्री का, कारगिल में जो लड़ाई हुई थी ना, ऑपरेशन विजय, उसमें साइक्लोन दुश्मन को मारकर वीर चक्र प्राप्त किया है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी मिलिट्री में जाऊंगा। सर एक्सक्यूज मी सर, व्हाट कैन आई डू? आपका ऑटोग्राफ चाहिए। थैंक यू सर। नेशनल फ्लैग, हाथ में गोदा, देश से इतना प्रेम। जी सर। That's good. Keep it up. Hello? हाँ बोलिए। जो मेरा 1 रुपया बबचाने के फिक्र में था, उनका 200 रुपया का चूना लग गया, बेचारा। It's okay. देखिए, कमाई जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, हमसे जितना हो सके दूसरों में बांटना चाहिए, अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस डब्बे में मेजर आ रहा है उसके बगल वाले डब्बे के टॉयलेट से मैं बोल रहा हूँ, वो दिल्ली नहीं पहुँचेगा बल्कि उसकी लाश ही पहुँचेगी। इंडिया टुडे भैया, एक सरिता दे दो। ये लो बीबी जी, 10 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। ये ले। सरिता, मुक्ता, मनोहर, कहानियाँ, इंडिया टुडे। सरिता, मुक्ता, मनोहर, कहानियाँ, इंडिया टुडे। सुनो तो, एक ग्रह शोभा देना। 15 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। सरिता, मुक्ता, मनोहर, कहानियाँ, इंडिया टुडे। सरिता, मुक्ता, मनोहर, कहानियाँ, इंडिया टुडे। ओ भैया, एक गृहलक्ष्मी देना। ये लीजिए, 18 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। धन्यवाद। ठीक है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। बेचना शुरू कर दिया? हाँ बाबूजी, सब किताब बिक गई, बस ये किताब बची है, इंडिया टुडे बाबूजी। इंडिया टुडे मांग रही थी ना, इससे खरीद लो, इसकी मदद हो जाएगी। ये लीजिए जी जी, 10 रुपए हुए ऊपर से 50 पैसे दे दीजिए। ये लो। धन्यवाद। कितनी कमाई हुई? 225 रुपया। ये 200 रुपए मेरे में रख लेता, पर ये 25 रुपए है ना, ये तेरी मेहनत की कमाई आधे घंटे की, इन 25 रुपयों से तो जाके बुक खरीद, फिर बेच दे, फिर खरीद ले, फिर बेच दे, ये तेरा व्यापार बन जाएगा। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, भीख मांगना गलत है, समझ गया? जी बाबू जी। ए सूर्या। हाँ? वाओ मैन, यू आर ग्रेट। आधे घंटे में जो भिखारी था उसे बिजनेसमैन बना दिया, माय गॉड। आपको भी किताब ला कर दूं? ए दिस इज टू मच। सुरजीत सिंह, मेजर स्पीकिंग, मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूं, 17 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करना। पेपर, पेपर, इंडिया टुडे, पेपर। सुनो भाई। बाबू जी,
मैगजीन कौन कौन से? सरिता मुक्ता धर्मयुग फिल्म फेयर। कितने की? 5 रुपए। ये लो, ये लीजिए छुट्टा। कोई बात नहीं, रख लो। आपने ऊपर से 50 पैसे दिए वही काफी है। ऊपर से मुझे टिप्स वगैरह दे करके मुझे भिखारी मत बनाइए बाबूजी फिर से। विश्वास नहीं हो रहा है, देश वाकई तरक्की कर रहा है। सहिता मुक्ता पराग ले लीजिए, धर्मयुग पेपर पेपर पेपर, आज का ताजा अखबार ले लीजिए मालिक, बाबूजी अखबार ले लीजिए, पेपर पेपर पेपर। व्यापार कैसा चल रहा है भैया? बाबूजी आपका नाम क्या है? सूर्य। बाबूजी जिंदगी में कभी मैं आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। एक साल के अंदर देखिएगा, यहाँ बड़ा सा अपना बुक स्टॉल खोल के दिखाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा बाबूजी। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। कम ऑन कम ऑन, जल्दी आओ जल्दी आओ, हाँ जल्दी आओ। साहब 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 जी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, थोड़ी देर बाद जाइए ना। ए, वो चूहे को पकड़ने जा रही है और मैं ट्रेन को पकड़ने जा रहा हूँ, दोनों को लेट नहीं होना चाहिए, समझे? आओ। ठीक है, मैं उसमें चढ़ के अंदर से चला जाऊंगा, तुम जाओ। गाड़ी खींचने वाले है, सब चलिए जल्दी चलिए। भाग चलिए ना, भाग भाग रहा हूं। ओके भाई, ठीक है, हां ठीक है, मैं मालिक को बोल दूंगा साहब। ठीक है, दिल्ली पहुंचते फोन करिएगा। हां ठीक है साहब। अरे चा टिकट, चा टिकट, सब टिकट ले गया वो सजी टिकट। बाप रे, ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी, हां ये सिनेमा ढूंढिए है ना? या ओके, हाय ब्यूटीफुल, हाय हाय, माय नेम इज प्रकाश फ्रॉम कांजीवरम। सूर्य फ्रॉम कोयंबटूर। हाय बथोर, हाय मैम। आई एम प्रिया। हाय प्रिया, मिस या मिसेस? वाओ, नाइस टू मीट यू मिस प्रिया। वेल, दिल्ली जा रहा, व्हाट अबाउट यू? मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। और आप? दिल्ली। वेल, सफर बोरिंग नहीं होगा? यू डोंट माइंड सिगरेट? नहीं शुक्रिया। क्यों? मैं पीता नहीं। ओके, मुझे फोर्स करने की आदत नहीं है। और आप? मेरा ब्रांड आपके पास नहीं होगा। ब्रांड मेरे पास नहीं है? हेलो, कौन सा ब्रांड? मैं भी तो जानू बोला। कहा ना मेरा ब्रांड आपके पास नहीं होगा। अरे ब्रांड का नाम तो बताइए। चंद्रिका बीड़ी है आपके पास? और चंद्रिका बीड़ी? ए मिस्टर, मैं कोई सिगरेट पीने वाली लगती हूँ आपको? ओके सॉरी मैम। सॉरी बोलने वाला मर्द मुझे पसंद नहीं। Well, Surya, how about a drink? No, thanks. Okay, what about you? Hey, mother, my egg minute. मैं आपको ड्रिंक ऑफर करूंगा और आप कहेंगे कि आपका ब्रांड मेरे पास नहीं है। मैं ब्रांड पूछूंगा और आप कहेंगे आपको ठर्रा चाहिए। ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं अकेले ही पीता हूँ। मैडम टिकट प्लीज। ओह टिकट, मेरा वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है, आपने यहाँ बैठने के लिए कहा था। आप अगले स्टेशन तक इंतजार कीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। आपका टिकट। आई एम सॉरी, टिकट कहाँ गया? ओह आई एम सॉरी, ये रहा मेरा टिकट। हेलो, टिकट के बदले पैसे दे रहे हो, क्या बात है? हेलो टिकट, पांच चार्टर से मेरा नाम है प्रकाश। अरे क्या करूँ, मैं भूल गया, छोटी छोटी बातें बोलने की आदत जो है, पैसे लेके चुप हो जाइए ना। हेलो, टिकट पूछ रहा हूँ लेकिन तुम उनसे बात कर रहे हो? कम ऑन गिव मी अ ब्रेक प्लीज। बात सुनिए, टिकट लाना भूल के क्या कर सकता हूँ? देखिए यहाँ से दिल्ली का किराया 2,500 रुपये, फाइन कितना लगाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये, टोटल 7,500 रुपये, बाकी के 2,500 रुपये टिप समझ के रख ले जाना। क्या करे, लोगों को समझाना पड़ता है। तुम्हारा पैसा किसे चाहिए? विदाउट में ट्रैवल करेंगे तो नीचे उतार दूंगा। किसे विदाउट कर रहे हो? मैं कौन हूं जानते हो? मेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट है, मैं चाहूँ तो फ्लाइट में जा सकता हूँ। फ्लाइट में जाने के लिए भी टिकट चाहिए, समझे? सर आपका टिकट कंफर्म हो गया है, ये आदमी अगले स्टेशन में उतर रहा है, उतरने के लिए तैयार रहना। यू हेलो, हेलो, हेलो डैड, हेलो कौन बोल रहे हैं? हेलो डैड, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? ट्रेन से। हाउ आर यू? नो डैड, आई एम नॉट फाइन, यहाँ एक टीडी बहुत रिटर्न कर रहा है डैड, मुझसे टिकट मांग रहा है। टिकट मैं क्या करूँ, टिकट तो स्टूपिड ड्राइवर के पास रह गया, आखिर मैं क्या कर सकता बोलिए? और ये टीडी मेरी बात नहीं माना डैड, उसने मुझे विदाउट कहा डैड, विदाउट, और ये मेरे लिए प्रेस्टीज प्रॉब्लम है। मैंने उसे पैसे दिए लेकिन मना करा वो। देखिए डैड, अगर उसने मुझे अगले स्टेशन में उतार दिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ मैं कुछ नहीं जानता, आप कुछ भी कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, आप रेल मंत्री को फोन करके मेरे लिए एक बोगी का इंतजाम कीजिए। यस आई वॉन्ट टू ट्रेवल इन दिस ट्रेन, अगले स्टेशन में मुझे उतारना नहीं चाहिए। एक मिनट डैड, एक मिनट, अगले स्टेशन कितनी दूरी पर होगा? यही कोई 150-200 किलोमीटर, तकरीबन 200 किलोमीटर, यानी 1.5 घंटे, और उससे पहले हर हाल में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा डैड, ये मेरी इज्जत का सवाल है, दिस इज माई प्रेस्टीज प्रॉब्लम। हाँ
अरे सुन, मेरी क्या गलती है सूर्या, मैं जल्दी में सब कुछ भूल गया। अरे बचपन से ही मुझे भूलने की आदत है, इसलिए हड़बड़ी में टिकट लाना मैं भूल गया, और कुछ बात नहीं। हेलो विनोद, टिकट स्टेशन आ गए, नीचे उतरो। देख क्या रहे हो, नीचे उतरो। साहब साहब, साथी मैं आ गया, टिकट लेके आ गया। साहब टिकट लीजिए, साहब मैं भूल गया था, सॉरी साहब। अब तू क्या उतारेगा, ये ले टिकट। यहाँ कान आने के लिए क्यों भूल गया? जिंदगी का एक एक पल मेरे लिए बहुत ही कीमती है, और तूने मेरी जिंदगी के दो घंटों को जहन्नम बना दिया। जानते हो उस दो टके की टीरी ने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरी बेइज्जती की, वो भी तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बेइज्जत हुआ। आइंदा ऐसा नहीं होगा साहब, मुझे साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, प्लीज सर, प्लीज सर। सूर्या जरा सूटकेस लाना। शिवाली हाँ, थैंक यू, वहीं रख देना, रख ले। नहीं साहब, ये सब नहीं साहब, रख ले, लिए तो आप फिर मारेंगे साहब। अबे रखना, देखो तुमने गलती कर, मैंने तुम्हें मारा, लेकिन ये तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी इज्जत जो रख ली उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो हेलो प्रकाश। हाँ डैड, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, स्टेशन से बोल रहा हूँ। थैंक यू डैडी, ड्राइवर आ गया। डैडी टेटे मुझे स्टेशन में उतारने ही वाला था, और मेरे उतरने से पहले ही ड्राइवर ने आकर मेरी इज्जत जो रख ले, रियली इज अ वेरी गुड मैन डैडी, वेरी गुड मैन। यस डैडी, एक मिनट, तुम्हारी पगार कितनी? 3000 साहब। 3000 डैडी, उसकी पगार 3000 है, और मेरे खाते ना दुगनी यानी 6000। थैंक यू डैडी। ओके, तुम्हारी पगार दुगनी हो गई, अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद लो। ओके जाओ। थैंक यू सर। Well, friends, oh my God, this is too much. बाप रे। अरे आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? समझ गया मैं पागलों जैसे बर्ताव किया उस ड्राइवर के साथ, पहले उसे पीटा, उसके बाद उसे पैसा दे, यही ना? अरे क्या करो, आदत से मजबूर हूँ, परवरिश ऐसी हुई। डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्हें काम से जरा भी फुर्सत नहीं। अरे क्या बताओ, सुबह से शाम तक चेक परेशान करते करते मैं थक जाता था। मैंने कहा डैड मेरे अंगूठे का आप रबर स्टैंप बनाइए, तो उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक मान्यता नहीं देगी। अरे मैंने कहा मेरे लिए एक और भाई पैदा कर दीजिए, हम दोनों मिलकर साइन करेंगे, वो भी नहीं माने। वो चाहते कि सारी जायदाद की एकमात्र तुम्हारी समय रहा हूँ। ठीक है, लाड प्यार से परवरिश की, उनकी बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अरे ये तो कुछ नहीं, इससे भी गई गुजरी एक और बात है। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे डैड ये चाहते कि मेरे नाम के आगे 3 अल्फाबेट और लग जाए, प्रकाश IAS। लुक एट हिम, उनकी ख्वाहिश के लिए मसूरी जा रहा हूँ, ये इसकी ट्रेनिंग के लिए। IAS? बेशक। मैं भी IAS के लिए जा रहा हूँ। वाओ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। वाओ। ओके मिस्टर प्रकाश, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, हम मसूरी में मिलते हैं। अरे आप दोनों कैसे जाएंगे? मेरे ख्याल से हम, देखिए मैं कुछ नहीं जानता, आप दोनों मेरे साथ कार में ही जाएंगे। बेकार में आपके तकलीफ। अरे भाई, तुम दोनों को हमारी कार ले जाने वाली है। देख सूर्या, हमारी दोस्ती ट्रेन में हुई, जो ट्रेनिंग तक हमारे काम आएगी। ओके
क्यूबी भूल गए क्या? तेरी वजह से कारगिल में हमने खून बहाया। 10 साल का क्या प्लानिंग? 10 दिन में तूने फना कर दिया। सिर्फ 1 दिन में इनकाउंटर के नाम पर हमारे सैकड़ों जादू की जान ले ली। ए, हम जिहादियों को तूने तड़पा तड़पा के मारा था ना, उसी तरह ठीक उसी तरह हम तेरे बाल बच्चों को धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारेंगे। कान खोल कर सुन लो बच्चे, तुम जीत नहीं सकते। बदमाशों को खत्म करना ही मेरा धर्म है, यही धर्म मैंने निभाया। देश के लिए जान देने से मैं डरता नहीं हूँ, जान दूंगा तो इसी मिट्टी में, ये सत्य है। जय हिंद। फिक्र मत कर, तेरे मरने से पहले अपने बच्चों को मरते हुए तुझे नहीं देखना है, उसके बाद अपनी बीवी और बेटी को मरते हुए नहीं देखेगा। इन तीनों की लाशों को तू अपने हाथों से नहीं दफनाएगा। इन्हें दफनाने के बाद तू जय हिंद बोल, उसके बाद मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। क्यों रे, क्यों इस तरह से धमका रहा है? मैं इनके खून से भी अपनी मांग सजा लूंगी। भारतीय नारी तू जैसे देश के दुश्मनों की धमकियों से डरने वाली नहीं है। अगर हिम्मत दे तो गोली चला। ए, सुना क्या बोलती है? वतन परस्ती, सेंटीमेंट। चल उसकी तमन्ना पूरी कर दे। तुम लोगों के जात में औलाद बाप को आग देती है ना, अब देखो बाप औलाद को आग देगा। पकड़। आपने खानदान को अपने ही हाथों से जला। इन दोनों को छोड़ दो। अरे पकड़, पकड़ ना। सुनिए जी, इन कमीनों के हाथों मरने से बेहतर है कि आप ही हमें जला दीजिए। सोचिए मत, जला दीजिए। Oh!
थे। Wonderful, great, 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 yaar. Really, I'm proud of you. बहुत जवान से काम किया. I'm proud of you, my dear. Really. Surya, क्या हुआ? मुझसे चार लोगों का खून हो गया. ये तुम्हारी गलतफहमी है. तुमने जिसे गोली मारी वो आतंकवादी थे. तुम्हें नाराज होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए. Come on, यार. Come on. क्यों प्रिया? उधर देखो सूर्या. Look there. तुमने किसकी रक्षा की? हमारे देश की रक्षा करने वाले आर्मी अफसर की. अरे तुम्हें तो फक्र होना चाहिए सूर्या. कैसे शुक्रिया अदा करूं जानता नहीं. जब तक मैं जिंदा हूं मैं और मेरा परिवार तुम्हें नहीं भूलेंगे. लगता है इससे पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा है. रेलवे स्टेशन में मैंने आपसे ऑटोग्राफ लिया था. ओह, नेशनल फ्लैग हाथ में गोदे थे ना? जी हाँ. व्हाट्स योर नेम? सूर्या. सूर्या, तुम्हारा ऑटोग्राफ मुझे चाहिए. ये कैसा? आप मुझसे? डोंट से नो प्लीज. इसमें अपना पता भी लिख देना. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ है? वो बिल्डिंग. हाँ, आई एम प्रकाश. हेलो, आई एम शिवानी. तमिल? जी, आपको कैसे पता चला? खुशबू, तमिलनाडु में कहाँ? पांडिचेरी. हाँ, पास ही है. हाँ, पड़ोसन से मिलो. हेलो, मैं चलती हूँ. सी यू लेटर. ये घोड़ी है. ऐसा लगता है वेकेशन के लिए किसी हिल स्टेशन में आए हैं. काश यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ हो. अरे देख यार. हे, हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आई एम सूर्या फ्रॉम तमिलनाडु. आई सी. दिस इज माय मेरिट सर्टिफिकेट. दिस इज माय कंडक्ट सर्टिफिकेट. एंड दिस इज पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट. ओके, थैंक यू. वेलकम. एक्सक्यूज मी सर, आई एम प्रकाश फ्रॉम तमिलनाडु. यस, दिस इज माय कंडक्ट सर्टिफिकेट, मेरिट एंड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट. ओके, थैंक यू सर. I'm Priya from Tamil Nadu. Hi, I'm Shivani from Pondicherry. Hello, I'm Krishnakutty from Kerala. Oh my God, आपके नारियल तेल में पका हुआ खाना खाने के लिए आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा. Oh, no problem. Hi, Shivani. Hi, आपसे कल. हाँ या. आप केरला से हैं? नहीं, तमिलनाडु. तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु. Excuse me, इनका इतिहास मैं बताता हूँ. ओटी की रहने वाली माँ भोना छोटी बहनों माँ वो काफी शरीर. ओटी संतम से स्कूल खत्म करके बैंगलोर में मास्टर डिग्री हासिल की. साथ साथ कम्युनिटी कोच भी किया. इन्हें भरतनाट्यम और स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी है. इसका नहीं आया हमारा राइट. एंड मेरे मिस्टर सूर्या कोयम्बतूर के रहने वाले बाप का इकलौता बेटा. गांव के सरकारी स्कूल से प्लस टू खत्म किया. उसके बाद मदुरै के अमेरिकन कॉलेज से डिग्री हासिल की. गाँव वालों का सपना पूरा करने के लिए निकल पड़े आईएएस बनने के लिए जनाब. हमारा राइट. बाय द वे, तुम्हारा जन्मदिन अगस्त 15 के और इस साल अपना जन्मदिन तुम हमारे साथ मनाओगे. हमारा राइट. तो मैं ये मेरी सारी डिटेल्स कैसे मालूम? वेरी सिंपल,
मैं एक घंटे से ज्यादा किसी से मेल जोल बढ़ाता था उसका बायोडाटा चाहिए होता है। कल लॉर्ड डैड का फोन किया, सारा डिटेल्स मिल गया। कम ऑन, लेट अस गो टू द क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम प्रभाकर, योर कोर्स डायरेक्टर। यू आर ऑल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ अवर कंट्री। आई फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई हैव एन जनरल क्वेश्चन, व्हाट मेड यू टू चूज आईएएस? Me? Well, I like this post because it's very powerful post and very prestigious post, and moreover gives you feeling of control and command of the society. That's why I like this post. Yeah. You? Yes, sir. Sir, I'm Surya from Tamil Nadu. I would like to speak in Hindi, apni rashtra bhasha mein, agar aap permission dein. Go ahead. Thank you, sir. मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चुना क्योंकि अगर चार लोगों की भलाई करनी हो तो हम ऊंचे ओहदे पर हों तो ही वो कर पाएंगे। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ये सारी सर्विस इन्हीं प्रोफेशन में दी गई हैं। आई लव द वर्ल्ड सर्विस। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मेरे हिसाब से इन्हीं प्रोफेशन में देश का भविष्य छुपा है। हम किसी भी ओहदे से जनता की सेवा कर सकते हैं, और बस इतना ही सर। सूर्या लमसाटी, नहीं रहने दो प्लीज। ए सूर्या, क्लासरूम में तुम्हारा स्पीच बहुत बढ़िया था। थैंक यू। नाइन्थ रैंक लेने वाला मैं खुद इतना अच्छा नहीं बोल सकता। तुम्हारा रैंक कौन सा है? सेकंड रैंक। ओह, सेकंड रैंक? हाँ। वाकई सेकंड रैंक? सूर्या तुम्हारा सेकंड रैंक है? तुमने बताया क्यों नहीं? इतने दिन क्लोज लेने के बावजूद तुमने बताया नहीं। मैं कितना फख्र महसूस कर रही हूँ, तुम नहीं जानते। मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे जैसे दोस्त जो मुझे मिला। I'm so lucky, I'm so lucky. You're the best, सूर्या। सूर्या को सेकंड रैंक मिला है ये जानकर मुझे ऐसी खुशी मिली जैसे वो सेकंड रैंक मुझे मिला हो। ये खुशी क्यों है न जाने क्यों, मैं सूर्या को बहुत पसंद करने लगी हूँ। अब जब भी हवा मेरे जिस्म को छूती है तो ऐसा लगता है कि सूर्या की सांसें कुछ मुझसे कहती हैं। सांसों में मेरे तू रहती, हवा बहती और कहती, सांसों में मेरे तू रहती। चाहत अपनी कम ना हो, देखा तुझे जब से तुझको कोई गम ना हो। मांगू ये रब से जन्नत का भी सुहाना समा, महका है तुझसे आके अक्सर चूती हवा, छूकर तुझको देती दुआ। आके अक्सर चूती हवा, छूकर तुझको देती दुआ। हवा बहती और कहती, सांसों में मेरे तू रहती। तू है सनम लहर भला क्यों करती यकी, इस कारे से ये तेरा बदल वो लहरे चूक गई। मुश्किलों से घबरा कर तेरा दिल ना दहले कभी, हाँ मौसम बदले किस्मत बदले प्यार ना बदले कभी।
आप हैं? ओ, जवानी गिरफ्तार। अच्छा, ये बताइए सर, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे कुछ डाउट है, वो सूर्य से पूछने जा रही हूँ। अरे तौबा तौबा, जो भी डाउट है हमसे पूछिए ना। सूर्य रैंक होल्डर है प्रकाश। ओ, ये बात है। देखो वो सूर्य एक किताबी कीड़ा है बस, लेकिन मैं हर काम में रुस्तम हूँ और शख्स का तो सिकंदर हूँ मैं। चलो सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। कम ऑन डियर, कम ऑन कम ऑन, प्लीज टेल मी। हाथ हटाओ प्रकाश, हाथ हटाओ। It's irritating. Oh, I'm sorry. सूर्य को मैंने लाइब्रेरी में देखा, आप वहां जाके मिल सकती हैं। लाना था तुम पे अरमा सब हुए गुम। अरे तेरे दिल के अरमा को कुचल दिया उसने। हाँ थोपड़ा तो देख। hey. इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अरे वो तुम्हारे हाथ की सफाई से बेखबर है बस। अरे खबर कर दूंगा, खबर कर दूंगा, क्योंकि वो तेरे साथ साथ फेरे लेगी, ये उसकी तकदीर में है, तब खबर कर दूंगा। अरे क्या कमी है तेरे थोपड़े में है? प्रकाश उसे हिसाब लिए बगैर छोड़ना नहीं। हिसाब कब लोगे? सात फेरे के बाद। सुहाग रात में फल के साथ जब दूध पिलानी आएगी तब लूंगा। वाह 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 वाह, भारतीय नारी हो तो ऐसी हो। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्या कहा तूने? मेरे छूने से तुझे इरिटेशन होता है, अब क्या करे तू? मैं तेरा शोहर, तू मेरी जोरू। चोरी का फल क्या जानती है? पति के छूते ही सीने में समाना। बैठ, अरे बैठ। ऐसा अब मैं तुझे नहीं छूऊंगा, तू खुद मेरे हाथ पकड़ कर पकड़ना। ऐसा अब तो ही मुझे छू कर मुझे खुश कर देगी। शैल वी स्टार्ट नाउ? लग के जाए, शुरू कर। हम मजा आ गया। तोड़ा जवाब नहीं। अब आगे। ओ, 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 प्यारी। बेटे तुम्हारे लिए डबल कड़क चाय लेके आया हूँ। पिताजी मुझे पढ़ने देंगे या नहीं? आधे घंटे में चाय ला लाकर मुझे पिला रहे हैं, यहाँ बुक से ज्यादा ग्लास इकट्ठा हो गए।
पढ़ने के लिए तुम्हें जागना है। मुझे पढ़ने दो, जाओ। पिताजी पी लो। क्या कहा? नहीं बेटा, पढ़ लो बोल रहा हूँ। आप पहले इधर आओ। मुझे क्यों बुला रहे हो? ये क्या है पिताजी? लोग सिगरेट बोलते हैं। आपका बेटा सिगरेट पीता है? नहीं, टेस्ट कर रहे हो? तू बिना सोए पढ़ रहा है कि नहीं चेक कर रहा था? उसका इससे क्या संबंध है? क्यों नहीं, हमसे कर्जा लेने वालों को कोई बहाना ना मिले तो एक सिगरेट फूंक देते हैं, झट से उन्हें बहाना मिलता है और फट से झूठ बोल देते हैं। उसके लिए वैसे भी कलेक्ट्री पढ़ रहे हो, पढ़ाई दिमाग में घुस रहे ना, सोए बिना पढ़ना है, दम मारो तो क्या गलत है? पिताजी सिगरेट पीने से पढ़ाई नहीं होगी, कैंसर होगा। वो तब दे दो। ठीक है, लाओ एक सिगरेट पी के देखता हूँ। चुप रहो ना बेटा, मैं खुद अपने बेटे को बिगाड़ रहा था। पिताजी आपकी इच्छा पूरी करनी है, एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बनने की सारी चीजें यहाँ पर है, ऐसी सौ रातें क्यों ना आ जाए, मैं नहीं सोऊंगा। ठीक है, कुछ भी हो कैसे भी तुम कलेक्टर बन जाओ बस। हेलो पिताजी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। हाँ, जल्दी आ जाओ। किस लिए? मंदिर का सालाना त्योहार आ रहा है ना, उस त्योहार में आकर मैं क्या करूँगा? की तरह सारा इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। मैं वहाँ आ गया तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, समझ गए? कलेक्टर नहीं बनोगे? तब छोड़ो, मैं देख लूंगा। तुम ठीक से पढ़ो, अपना ख्याल रखना, और यहाँ से चूरा लेके गए खत्म हो गए, बोलो ना मैं फिर से बनवा के भेज दूंगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अभी तक जो खाया उसी से पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है मतलब गर्मी? पेट में नारियल तेल से मालिश की करे? मालिश की हाँ। अरे ऐसे हिचकिचा के क्यों बोल रहे हो? अरे की तो कैसे की, कहाँ की, कब की, बोलो ना। पिताजी ये एसटीडी है। एसटीडी हो एसटीएम हो, तुम सही सही बात बता देना मुझे। वो अरंडी का तेल है ना, उसे पेट पे रख के मालिश की तो सब ठीक हो जाता है। कलाम साहब को चूरा दिया कि नहीं? हाँ कलाम साहब को दे दिया। कौन से कलाम को? भाई हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब। अरे बाप रे, मैंने क्या बोल दिया जी? पिताजी दरअसल मैंने आपको इसलिए फोन किया कि अगले हफ्ते आगरा के पास एक विलेज विजिट है। नहीं ये सब आप नहीं समझेंगे, मैं आके बताऊंगा। हाँ। आप एक काम कीजिए, रविवार की ट्रेन की टिकट ले लीजिए, आगरा आ जाइए, मैं आपको रेलवे स्टेशन से पिकअप कर लूंगा। पैसा खर्च करके मुझे वहां आने की क्या जरूरत है? पिताजी कितनी मुश्किलों से मुझे पाला है, इन सब जगहों को देखते समय मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ हों। बहुत खुशी हो रही है बेटे। लव यू पिताजी। क्या बोला? लव यानी प्यार। उससे हमें क्या लेना देना है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मतलब मुझे आपसे प्यार है। एक्सक्यूज मी, जरा जल्दी खत्म करेंगे, मुझे एक फोन करना है। पिताजी एक लड़की रखता हूँ। यही वेट करो। ओके। हेलो माँ, मैं प्रिया, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटी। माँ जानती हो मैंने फोन क्यों किया? आगरा में राजस्थानी मेला लगा, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, इसलिए 23 तारीख को तुम और उमा वहाँ पर पहुँच जाओ और हम तीनों मिलकर आगरा और दिल्ली की सैर करेंगे। ओके, आगरा में मिलेंगे माँ, बाय। अरे ये कहाँ फंस गए आप लोग? सूर्या हमारा आईएएस का और इस मेले से क्या ताल्लुक है बताओ? ये कौन है क्या है कुछ नहीं जानते हैं? हा? कोई बात नहीं, लगता है हम 200 साल पीछे चले गए। ये क्या बच्चों की तरह बलून्स के साथ खेल रहे हो? सारे बलून्स ब्लू हैं? ब्लू बहुत पसंद है क्या? हाँ मुझे ब्लू रंग ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ब्लू फिल्म ज्यादा देखता हूँ। ची। हेलो, ये रेड कवर भी पसंद है। वो क्यों? क्योंकि रेड एरिया पसंद है मुझे। ये क्या बेशर्मी जैसी बातें कर रहे हैं? सेक्स? सेक्स में कैसी बेशर्मी? शिवानी सेक्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है? इट्स द एसेंस ऑफ लाइफ, और सेक्स जिंदगी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये हुई ना बात, दोनों पागल हैं। 5 रुपए के दे दो, ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ। जी अयो सूर्या, सूर्या ने कापा था, उस प्रकाश ने मुझे बचाओ, उसने नाक में दम कर रखा है। क्या पढ़ना? तंबी, तुम तमिल वाले हो? आप भी तमिलनाडु से? हाँ, मैं मदुरई की रहने वाली हूँ बेटा, शादी के बाद यही सेटल हो गई, शहर में मिठाई की दुकान है, मेला लगा तो यहाँ भी आ गई। मैं भी पास का ही हूँ, कोयम्बटूर का। ऐसे कह रहे हैं जैसे लॉस एंजलिस के हैं। क्या तुम भी ऐसे मजाक कर रही है, तेरी जोरू है क्या? ए, इतनी प्यारी लग रही है, देख मेले से एक साड़ी क्यों नहीं लेके देता? साइज नहीं मिली। देखिए मैं इनकी कोई जोरू वोरू नहीं हूँ, ये अलग मैं अलग,
ठीक है, किस लिए आए हो तुम भी? वो विलेज विजिट कहते हैं ना, उसी के लिए आए। मतलब? इस तरह का गांव, यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति, ये सब थीसिस में लिखे तो ही आईएएस पास कर सकते हैं। अपने यार, लेकिन समस्या ये है कि मैं यहाँ पर नया हूँ। उसमें क्या है, मैं साथ में चल के मदद करती हूँ। आप क्या तंबी, तुम मेरे यहाँ के हो क्या, मैं इतना भी नहीं कर सकती। थैंक यू, लेकिन आपका ये व्यापार वो घर वाला देख लेगा, चलो चले। थैंक यू। सुनिए, यहाँ पर बंद पार गनवा रहे। इस मेले की खासियत ये देवी माँ का मंदिर ही है। हे लुक एट दैट, अच्छी तरह सजाया है। ए सूर्या, उस मंदिर को देख चले क्या? तम्बी, मंदिर में कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? वहाँ ऊपर देखो। ये सब आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों काम कर रहे हैं? ये कन्या माता का मंदिर है, हजारों साल पुराना इतिहास है। कहते हैं कि देवी माँ रोज जमुना में नहाकर मंदिर आ जाती थी। एक दिन बाढ़ आई तो उसमें माता के कपड़े बह गए। माता ने नग्न अवस्था में ही मंदिर में जाकर द्वार बंद कर लिया। तब से आज तक कोई मर्द माता को उस अवस्था में न देखे, इसलिए मजदूर भी अपनी आँखें बंद करके यहाँ काम करता है। मतलब देवी माँ शेम शेम पोजीशन में है। तम्बी, ऐसे नहीं बोलते, ये माता बहुत शक्ति वाली है। यहाँ की विशेषता क्या है? इस गांव का ये इतिहास है कि यहाँ की कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई हो। जो भी कुंवारी लड़की माता के मंदिर आके उनकी पूजा करती है, उसकी शादी जल्दी हो जाती है। उस पूजा का क्या मतलब? जो भी गांव की कुंवारी लड़की शादी के लायक होती है, उसे दुल्हन की तरह सजाते हैं। माता पिता की जितनी हैसियत होती है, उस हिसाब से वो अपनी बेटी को गहने पहनाते हैं, उसे सजाते हैं और फिर उस बेटी को इस मेले में शामिल होने के लिए भेज देते हैं। और जितना माता पिता से हो सके वो उसके लिए दहेज भी इकट्ठा करके यहीं पे रख देते हैं। फिर वो बेटी अपने सामने एक दिया जलाकर बैठ जाती है और अपने दूल्हे का इंतजार करती है। शादी के लायक लड़के यहाँ पर आते हैं और अपनी मनपसंद दुल्हन ढूंढते हैं। अगर लड़के को दुल्हन पसंद आ जाए तो वो उसे फूल पेश करता है, और अगर दुल्हन को दूल्हा पसंद आ जाए तो वो उस फूल को रख लेती है, नहीं तो उस फूल को पास वाली नदी में फेंक देती है। ऐसे में वो लड़का चुपचाप अगली लड़की को देखने के लिए चला जाता है। कैसे भी हो, मेला खत्म होने तक यहाँ पर हर लड़की की शादी हो ही जाती है। यही इस राजस्थानी मेले की खासियत है, इसलिए राजस्थान गुजरात दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये पास वाले गांव की लड़की है। हाँ, ये भी। हे प्रिया, उधर देख, बहुत सुंदर है। कितनी अलग संस्कृति है ना। या ये लड़की बकरी के बच्चे के साथ क्यों है? ये लड़की गुजरात से आई है, इसके पास बस ये ही सामान है, एक बकरी, कुछ बर्तन और एक संदूक। पर इसे भी दूल्हा मिल जाएगा। गुड लक। मंगल तू है माँ, निश्चल
देवी मन के अरमा पूरे कर सारे। तुझसे मिलने भक्त तेरे दर आए, हाल झोल सब की देवी भर जाए। कर दे पूरे वर सारे, देवी मन के अरमा पूरे कर सारे। हमारी लड़की क्यों छुआ? आप उसे कौन शादी करेगा? क्या हुआ मुझे बताना। अरे ये क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? क्यों खामोश है? जवाब दे। वन मिनट। देखिए आप इनसे वाकिफ है, पूछे क्या हुआ? देखो तंबी, आज तक इस मेले में जो भी लड़की आई देवी माँ की कृपा से उसकी शादी हो गई। यहाँ की परंपरा है कि किसी भी लड़की को देखने से पहले लड़के को उसे फूल पेश करना पड़ता है, पर इसने तो उसे छू लिया। अब भला उस लड़की से कौन शादी करेगा? लेकिन अरे ये कैसा पागलपन है, वो लड़की आग में जल रही थी तो इसने जाके उसे बचाया। अरे इसके छूने से वो लड़की कलंकित हो गई, ये कहाँ के इंसाफ है बोलिए। देखो तम्बी, इस मेले में जो भी लड़की आती है उसकी शादी हो जाती है। चाहे उस लड़की के कपड़ों में लगी आग को बुझाने के लिए तम्बी ने उसे छुआ, पर छू तो लिया। अब उस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। अब इन लोगों का डर है कि माता के श्राप से यहाँ किसी भी लड़की की शादी नहीं हो पाएगी। क्यों बुत बन के खड़ा है? अब उस लड़की का क्या होगा? एक मिनट। अब देखिए, इनके जो भी शर्त हैं मुझे मंजूर हैं। मैं उस लड़की से शादी करूंगा। चलो सूर्या, ये तुम क्या कह रहे हो? वो एक बकरी चराने वाली है और तुम एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, तुम उससे शादी क्यों करोगे? तुम पागल हो क्या? मैं उससे जैसा तुम चाहते हो वैसे मैं शादी करूंगा। सच में? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है भगवान का। जब आपने मुझे उस आग से बचाया तभी मैंने आपको ईश्वर मान लिया। अब आप ही बोलिए, मैं ईश्वर से कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरी आप सबसे एक विनती है, इन्हें आप कुछ मत कीजिएगा। मैं अपनी आने वाली जिंदगी इसी देवी माँ के मंदिर में कुंवारी रहकर बिता दूंगी। ये क्यों ऐसा बोल रही है? अब इसे क्या समझाना है तम्बी? जब ये तुम्हें अपना देवता मान चुकी है तो देवता से कैसे शादी कर सकती है? मैं समझती हूँ कि अगर ये सन्यासन बनना चाहती है तो इसे इसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। सूर्या, मेरी तन्हाई और परछाई दोनों में तुम्हारा ही अक्स अक्सर नजर आता है। दिल चाहता है तुम्हारे पलकों की छांव में अपनी सारी उम्र गुजार दूं। हेलो सूर्या भाई, खुशी खुशी जा रहे हो, आखिर बात क्या है? आज मेरे पिताजी गांव से आ रहे हैं, उन्हें आगरा घुमाना है। ओ, फादर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ परमिशन नहीं मिलेगा, क्या करोगे? परमिशन मिल गई है। ओ, मिल गया, जो भी हो सेकंड रैंक है। Have a nice time. Oh. Hey,
रुको ना, पहले मुझे उठना है। जब से आप चेन्नई से चढ़े हैं तब से परेशान कर रहे हैं। ट्रेन में परेशान क्या, बस नहीं है यहाँ पे भी। मेरा बेटा नहीं आया, वो देख रहा हूँ। अरे क्या लड़की है, गनी मत है, चलती हुई गाड़ी से धक्का नहीं मारी। मेरा बस चलता तो चलती रेल से धक्का दे देती। क्यों? फिर नहीं तो क्या, आपके खराटे की वजह से सारी रात कोई सो नहीं पाया। हाँ। गुड्डी क्यों खामखा इन बुजुर्ग के मुंह लग रही है? क्या माँ, अगर बूढ़े हैं तो घर पे बैठे चुप रहो। अरे फूलन देवी, तू ऐसी देवी माँ की बेटी है? शक्ल तो देखो। रुको रुको रुको, मत जाओ ना, बेटा भी नहीं है, अनजान शहर है, तुम लोग चले जाओ। जानते हैं ना, फिर क्यों पंगे ले रहे हैं? ज्यादा बोल रही है। हर आने जाने वाला अपना काम देख रहा है और आप एक ही हाथ धोके हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हारे पीछे पड़ने की उम्र थोड़ी ही है, अनजान शहर है, इसलिए तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। अरे किससे भाव खा रही है? अबे जाना, मेरा बेटा आ गया। कैसे हो पिताजी? मेरा बेटा। जाइए अपना काम कीजिए। अबे जाना। अरे क्यों पिताजी, क्या हुआ? नहीं बेटे, अनजान शहर है, थोड़ी मदद करने के लिए बोला तो भाव खा रही है। नई जगह है ना, वही तो तकलीफ है। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटी। ए प्रिया, ये मेरे पिताजी। नमस्कार। ये मेरी माँ। नमस्कार। अरे मेरी लाडली बहन। सूर्या। ओ हाय सर। अरे छोड़ो ना, क्यों हाथ पकड़ रही है? तुम अंदर क्या कर रहे हो? अरे रिजर्वेशन चार्ट से पता चला कि तुम लोग की बॉगी हुआ है, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ये हाँ, मेरा नाम प्रकाश है, मैं दोनों के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी, ये इनकी माताजी और इनकी छोटी बहन, आप लोग दिल्ली और आगरा घूमने आए हैं, मैं हूँ गाइड, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। कमान 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 कमान। रुको ना, ये कौन है, बकबक कर रहा है और चला जा रहा है? करोड़पति का बेटा पिताजी। होगा करोड़पति का बेटा, हमारे पास भी 5 बीघा जमीन है, बोला नहीं? अरे देखो ना, ये 5 रुपए के नोट है। चलो भी पिताजी। ये क्या, यहाँ पे बाढ़ वाड़ आई क्या? इतनी बड़ी मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? यहाँ कोई मुल्ला वुल्ला नहीं दिखाई दे रहा है? मुल्ला छोड़ेंगे तो मुल्ले से भी वसूल करेंगे। वसूल करेंगे बेटा, हम दोनों मिलके वसूल करेंगे। पिताजी ये मस्जिद नहीं, मकबरा है। मकबरा? इतना बड़ा किसने बनवाया? शाहजहां नाम का एक मुस्लिम राजा। मुस्लिम मतलब चचेरे भाई? हाँ चलो। अच्छा मुस्लिम चचेरे भाई, तो ईसाई? मौसेरे भाई। मौसेरे भाई तो सिख? ममेरे भाई। वाह वाह, अरे गांव में हमारा रिश्ता ऐसा ही है, बोले नहीं क्या? पिताजी आप चलिए भी। अरे रुको ना, रिश्ते की बात है, समझाना है इसे। दिवाली दशहरे पे हम लोग मुस्लिम के घर लाई चूरा गट्टा वगैरह भेजते हैं, उसी तरह ईद बकरीद पे मुसलमान लोग बड़े बड़े बर्तनों में बिरयानी बना के हमारे घर भेजते हैं, हम खाएंगे, वो लोग खाते हैं। अरे रुको ना बेटा, एक बात है, ये मुसलमान लोग बिल्डिंग भी बड़ी बड़ी बनाते हैं और बिरयानी भी बड़े बड़े बर्तनों में बनाते हैं। किसकी याद में मकबरा बना है? मुमताज नाम की उनकी बीवी। तो मेरी बहन। चलो, चलो कैसे मरी? चलो भी, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम था? सूर्या चाचा को इस तरह समझाने से नहीं समझेंगे। चाचा आप मेरे साथ चलिए, पूरी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। माँ जी अभी चलिए, उमा तुम भी चलो। चलो क्यों कोने पे ले जा रहे हो? आंटी कम हियर। देखिए इस कहानी को सीधी तरह सुनाए तो ठीक नहीं होगा, इसलिए इसे आज की कहानी में बदलता हूँ। तो ये मान लीजिए मैं हूँ शाहजहां। कौन? मैं हूँ शाहजहां और आपकी बेटी प्रिया है मुमताज। और अब इस शाहजहां से आपकी बेटी मुमताज प्यार करने लगती है, लेकिन ये प्यार मेरी आन बान या जान को देखकर हरगिज नहीं हुआ। ये प्यार हुआ है तो सिर्फ मेरी समझदारी को देख के हुआ। उसी तरह मैंने भी प्रिया को स्टेट में काम करने वाली किसी गरीब की बेटी से प्यार नहीं किया, और मैंने भी उसकी खूबसूरती और अकलमंदी देख कर ही प्यार किया। और हम दोनों का प्यार देख के आप बड़े लोग हैरान हो। हैरान तो होंगे ही। सिर्फ आप दोनों ही नहीं चाचा, हमारे प्यार को देख के सारी दुनिया हैरान हो गई। ये प्यार देख कर आप सब ने मिलकर हमारी शादी रचा दी। सब कुछ खुशहाल था, हम दोनों बहुत हैप्पी थे। एक दिन एक हादसे में प्रिया की जान। नो, प्रिया को खुश नहीं होना चाहिए, प्रिया का खुश नहीं होगा, मैं ही एक हादसे में मर जाता हूँ। तब प्रिया अपने प्यार को ना भुला पाकर, मुझे बुलाना पाकर, उस प्यार को अमर करने के लिए, सारी दुनिया को प्यार का मतलब समझाने के लिए वो एक प्रेम का मंदिर बनाती है, और वो मंदिर है ये ताजमहल। कहानी के बहाने तुम शाहजहां बन गए और ऊटी वाली बच्ची को मुमताज बना दिया। छोड़ा तो बोलोगे तुम ये ताजमहल? नहीं ये बात नहीं जाजा, दरअसल तुमसे बाद में निपटूंगा। इन्हें शाहजहां और अकबर खान दोनों आके कहानी सुनाए तो अभी ये नहीं मानेंगे, उन्हें छोड़िए ना। आपकी क्या राय है? जो भी हो बेटे, मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी मेरी बेटी से शादी करे वो आईएएस ऑफिसर हो। बेटे सूर्या, वो लड़की वहां बैठी है और तुम जो अकेले यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
तुम्हारा दोस्त जो है बहुत ही खतरनाक आदमी है। क्यों पिताजी? मकबरा की कहानी सुनाऊंगा बोल के झट से खुद ही शाहजहान बन गया। ऊटी वाली लड़की को मुमताज बना दिया, कहता है कि ये उससे प्यार करता है, उसकी माँ से मामला जमा रहा है। मैं क्या बेवकूफ हूँ? मैं सब समझता हूँ। तुम मुझसे किसी मामले में कम थोड़े ही हो, ज्यादा ही हो। तुम्हें छोड़ के उससे प्यार करती, इसका क्या मतलब? तुमने उस लड़की से बात नहीं की? अरे छोड़िए भी। अरे छोड़ा ना, दिखते ही वो लड़की मुझे पसंद आ गई, सुंदर भी है। यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, क्योंकि हमारे गांव के लिए एक कलेक्टर बस नहीं होगा, लफड़ा ज्यादा है ना, दो कलेक्टर चाहिए ही चाहिए। इसीलिए तुम उस लड़की के पास जाकर कह दो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बाकी काम मैं संभालूंगा। आप चुप रहिए ना। क्यों, उसकी माँ ना बोलेगी? ना बोलेगी तो यहाँ लाके मंगलसूत्र पहना दो। पिताजी ये सब करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी, मंगलसूत्र पहना है तो शादी हो गई। हाँ, हमारे फिल्मों में ऐसे ही होता है। सूर्या, मुझे सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। ट्रेन में हमारी पहली मुलाकात, फिर यहाँ पे हम दोनों की एक साथ ट्रेनिंग, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा है ना? ये ख्वाब है या हकीकत, बताओ ना सूर्या। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप उसे लव करती हैं या नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि जो कुछ हुआ सो ख्वाब बोल रही हो, इसलिए। ए, मैं बहुत नर्वस हूँ, कल रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं और पता नहीं किसको कौन कौन से कैडर्स मिलने वाले हैं। कस के मेरा हाथ पकड़ो, नर्वसनेस दूर हो जाएगी। ए, love you. प्रिया, ए प्रिया, कम या। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। Give it. Congratulations, प्रिया, तुम कैरावन में पास हो गई हो, तुम एक आईएएस अफसर बन गई हो। I'm so happy, प्रिया। Thank you. सूर्या को कौन सा कैरे मिला? और सुनो, असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से चेन्नई में तुम्हारी पोस्टिंग भी हुई है। I'm so happy, प्रिया, so happy. Okay, प्रकाश, listen, सूर्या का बताओ ना। ये क्या प्रिया? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में बोलता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरा क्या हुआ, नहीं पूछोगी तुम? ओके, तुम्हें कौन सा कैरे मिला है? Cadet 2 IPS. क्यों? सब तुम्हारी वजह से। इम्तिहान के दौरान तुम्हारे बारे में सोचा, दो मार्क्स कम हुए। Okay, तुम्हारे लिए सब मंजूर है प्रिया। तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। प्रकाश, तुम कहाँ थे? आर यू मिस्टर सूर्या? यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? यू आर ए क्रिमिनल एक्यूज्ड। आईएएस कैसे कर रहे हो? मिस्टर सूर्या, डू यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आईएएस ट्रेनिंग मैनुअल? यस सर। आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग अटेंड किए गए कैंडिडेट पर किसी तरह का इल्जाम नहीं होना चाहिए, जानते हो ना? जानता हूँ सर। जानते हुए भी तुमने गलती की है। यू आर ट्राइंग टू चीट द गवर्नमेंट। सर मैंने ऐसा कुछ? गिवन फॉल्स वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट टू द गवर्नमेंट। सर आप ये, तुमने एक तहसीलदार को मारा है, गाँव में दंगा फसाद होने का कारण बने हो, 24 घंटे पुलिस लॉकअप में गुजारे हो, तुम्हारे ऊपर FIR फाइल हुआ है। इस तरह के अक्यूज कैसे आईएएस कैडर में एंट्री लिए? सर दंगा फसाद हुआ ये सच है, तहसीलदार को मैंने मारा सच है, मेरे नाम पे FIR दर्ज हुआ सच है, ठीक वैसे ही मैंने जो प्रोड्यूस किए सर्टिफिकेट सब सच है। अरे
पीछे हटो ना। कह रहा मेरी बात तो सुनो, पीछे हटो। क्यों अरेस्ट करोगे भाई? गवर्नर आए तो भी अंदर नहीं जा सकता। पहले मेरे बेटे को रिहा कर दो, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता। मेरी बात सुनिए, आपको जो भी कहना है शांतिपूर्वक कहिए। एक ऑफिसर से इस तरह बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, मैं खुद अंदर जाकर पूछताछ करती हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। देखिए, पूछताछ करनी है तो हम लोगों को साथ रखकर कीजिए, वरना ये लोग झूठ बोलेंगे। जब धान लेने गए तो वहां पर फसाद किया। मैं एक ऑफिसर हूँ, ये भूलकर इसने मुझे मारा। मैडम, पुलिस ने इसे अगर गिरफ्तार नहीं किया होता तो हमारी जान का खतरा हो जाता। मैडम, आज तहसीलदार को मारने वाला कल कलेक्टर पर भी हाथ उठा था, इसीलिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके इसे अंदर डाल दिया। मैडम, वहाँ क्या हुआ था तुम बताओ। साहब जी, इस सब एकदम झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था पता है? इस साल सरकार ने धान एक बोरी 300 रुपये और गंदा एक टन 500 रुपये तय किया है। कितनी बोरी है गिनकर रसीद बनवा कर लॉरी में चढ़वा दो। साहब एक मिनट, हम किसान भाइयों ने मिलकर एक धान की बोरी का 500 रुपये, एक टन गन्ने का 1000 रुपये मिले, ऐसे सरकार में अर्जी दी हुई है। लेकिन अचानक आप इस तरह का भाव दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? न्याय इन्ने के बाद मुझसे मत करो। दाम मैंने तय नहीं किया, सरकार ने तय किया। ए, कौन है? कौन है तेरी सरकार? तो सरकार को ये भेज दीजिए। ये क्या इतना घमंड है? मैं कौन हूँ जानता है? तहसीलदार, तहसीलदारी सरकार है और सरकारी तहसीलदार है। अच्छा साहब, एक बात तो बताइए, मेहनत हम करते हैं और दाम आप लोग लगाएंगे? किसान जब खाद खरीदने जाता है, एक दुकान में एक बोरी यूरिया का 200 रुपए बोलता है, दूसरी में 210 बोलता है और तीसरी में 230 बोलता है। पूछने पर मेरा सामान है, मैं ही दाम फिक्स करूंगा। क्या इसके लिए आपको स्टैंडर्ड दाम फिक्स नहीं कर सकते? इसे देखिए, फल ढो ढोकर बदन पर मैल की पपड़ी जम गई है। पानी में घुल जाने वाला एक मामूली सा साबुन भी ये नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसका फैक्ट्री का दाम 6 रुपए, डीलर के पास जाते ही 8 रुपए, सब डीलर के पास जाते ही 10 रुपए और हमारे पास आते ही 12 रुपए। क्या उसका कोई फिक्स दाम आप लोगों ने अभी तक तय किया है? पिछले हफ्ते दीवार की मरम्मत करने के लिए सीमेंट लेने गया, सीमेंट की एक बोरी का दाम 200 रुपए, वही बोरी आंध्रा में 120 रुपए, इन दोनों के बीच का 80 रुपए कहां गया, किसके पास गया, आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक एक कहकर आप लोग मंच पर भाषण झाड़ते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन मामूली से एक बोरी सीमेंट में आप एक तो नहीं सुना पाए। कहां जाऊं, किससे जाकर सुनाऊं, कहां तो पागल बोलते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपए और यहाँ 48 रुपए, मतलब दिल्ली में रहने वाले पुण्यवान हैं और यहाँ रहने वाले पापी हैं। मिस्टर, ये सब अलग अलग स्टेट्स के इकोनॉमिक स्टेटस है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी प्लीज, इवन आई नो द इकोनॉमिकल स्टेटस, आई मीन ट्रेजिक इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। पिछले साल तक सालाना 840 करोड़ कर्ज लेने वाला हमारा देश इस साल 30 करोड़ ज्यादा ले चुका है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी और हमारी कमाई के 1 रुपए पर 46 पैसे ब्याज भर रहे हैं। दैट इज द रियल इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। पिछले साल की बारिश में हमारी तमाम फसल बर्बाद हो गई, उस पर लिए उधार का ब्याज भी नहीं भरा है। ऐसी हालत में किसान कैसे जी पाएगा? जायजा लेने आए मंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे बिना ही काजू बादाम खाते हुए दिल्ली वापस चले गए। मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे किसानों की बात आपकी समझ में आया इसलिए बोल रहा हूँ। हमारी मेहनत का दाम फिक्स करने वाले आप कौन है? देखिए, जैसे हर उत्पत्ति का भाव उत्पादक फिक्स करता है, उसी तरह जिसे हमने मेहनत करके पैदा किया है उसका दाम भी हम ही फिक्स करेंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, एक बोरी धान 500 रुपए, एक टन गन्ना 1000 रुपए, इससे कम हमें नहीं पहुँचाएगा। ये क्या सब मिलकर दादागिरी पे उतर आए हो? देखिए ऐसा कुछ नहीं। अफसर, हम लोग अर्जी देके कितने दिन हो गए, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे बेटे ने इतना सवाल किया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। देखो, हमारी मांगे पूरी करनी है तो इसी वक्त पूरी करो, वरना दफा हो जाओ। एक सरकारी ऑफिसर को इस तरह जवाब दिखा रहे हो? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? रसीद बनाकर सब बोरी लरी पे चढ़ाओ। बोरी छुएगा, हिम्मत है तो एक धान को छू के दिखा, हाथ काट के फेंक दूंगा। क्या बोल रहा है? ऑफिसर, होम सेक्रेटरी को फोन लगाओ। यस मैम। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू, आप लोग बहुत लापरवाही से पेश आए हैं। उनकी जो भी मांग थी वो उचित थी। मैडम, होम सेक्रेटरी लाइन पे हैं। हाँ यस सर, नमस्ते, मैं कलेक्टर जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। मैं इस समय पुलिस स्टेशन में ही हूँ, मैंने यहाँ सारी पूछताछ कर ली है। इन लोगों की जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन इनकी मांगों को ऐसा कलेक्टर मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने सरकार के सामने जो मांगे रखी है उन पर सरकार ने क्या फैसला किया है ये जानने के बाद ही मैं कोई एक्शन ले सकती हूँ। सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कंसर्न मिनिस्टर से कंसल्ट करके यहाँ के हालात बताइए और अच्छा सा फैसला लेने के लिए कहिए, नहीं तो मुझे डर है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसानों के संघर्ष में न बदल जाए। ये सर। ओके सर, जब तक आपका जवाब ना आए मैं यही पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मिस्टर जय कुमार। यस मैम। आप इनके गांव कितने बजे गए थे? 4 बजे मैडम। और ये घटना कब घटी? 4:30 बजे।
आई सी, मेडिकल सर्टिफिकेट कब लिया? 5 बजे ले गया मैडम। तो 5:30 बजे तक अरेस्ट कर लिया होगा। वेरी गुड, कितनी जल्दी एक्शन लिया। सिर्फ 1.5 घंटे में जीएच हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर किसी को अरेस्ट करना भारत में पहली बार हुआ होगा, है ना? शाबाश, सरकार का काम कितना तेज चल रहा है। यस मैडम, हमारे डिपार्टमेंट का नाम ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया है। हाँ बिल्कुल, इतनी ही फुर्ती किसानों की मांगों को अमल करने के लिए सरकारी कर्मचारी दिखाते तो ये मामला इस कदर संगीन न होता। एक बात समझ लीजिए, हम चाहे जितनी मर्जी हाईटेक सिटीज बना ले, लेकिन खाने का अनाज हम कंप्यूटर से पैदा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक किसान कर सकता है। ये मत भूलिए। यस बोलिए सर, मैं जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। ओके मैं बोल दूंगी सर, थैंक यू। सरकार ने आपकी मांगों को मंजूरी दे दी। अच्छा? है धान 1 बोरी 500 रुपया, गन्ना 1 टन 1000 रुपया देने को कबूल किया है, जियो भी पास किया है। बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। सुनो भैया, हमारी मांगे पूरी हो गई, हमने जो अर्जी दी थी ना उसको मंजूरी मिल गई है, सब कलेक्टर साहिबा ने कर दिया है। कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा। मिस्टर सूर्या, आपकी मांगे जायज होने के बावजूद भी कबूल नहीं की गई, यही अगर आप पदवी में रहकर कहते तो जरूर कबूल हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर ग्रेटफुल टू यू। पार्डन मी, वी आर ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। यू स्पीक गुड इंग्लिश, कहाँ तक पढ़े हो? एमए लिटरेचर। एमए लिटरेचर करके हल चलाते हो, दैट्स वेरी गुड। इंस्पेक्टर, फॉर्मेलिटीज खत्म करके इन्हें रिहा कर दीजिए, पानी लाइए। इन्हें रिहा नहीं कर सकते। क्यों? इन पर एफआईआर दर्ज किया है, ये 24 घंटे लॉकअप में रह चुके हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जमानत लेकर ही छोड़ सकते हैं। एफआईआर दर्ज कर लिया, लाइए मैं देखती हूँ। यस मैडम, ये लीजिए मैडम। This is mere nonsense. आपने एफआईआर क्यों दर्ज किया? कैसे दर्ज किया? आप जानते नहीं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है? इस एफआईआर की वजह से इनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इनका करियर ही तबाह हो जाएगा, इनका भविष्य का क्या होगा? Don't you know that? अगर ये आपका भाई होता तो भी आप ऐसे ही करते? Will you do that? जी। Oof, very irresponsible people. सूर्या, heartless. जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। हेलो सर, अभी जो जियो पास हुआ मुझे उसका नंबर चाहिए। कहिए सर। TN bar. जी सर। 12 bar 05. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसानों और तहसीलदार के मध्य जो तनाव हुआ और जिसके कारण सूर्या को अरेस्ट किया गया, मैं जिला अधिकारी होने के नाते अपने अधिकार के अनुसार ये FIR रद्द करती हूँ और अपने अधिकार से सूर्या को रिहा करने का आदेश देती हूं। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर शर्मा, पता लगा ये कलेक्टर जयलक्ष्मी इस वक्त कहां है? यस सर। सर, this is the first case in my life. Is it so? Do you think this is the mistake committed by the department? हो सकता है, इस वक्त उसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। Sir, आजकल वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की होम सेक्रेटरी हैं। Then get all the details officially from her. Yes, sir. अगर आपकी बात सही भी हो, हम उस कलेक्टर की स्टेटमेंट वेरीफाई करने के बाद ही कोई फैसला ले पाएंगे। Sorry, Mr. Surya. जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती, तुम्हारा IAS का रिजल्ट हम लोग पेंडिंग में रखेंगे। यू कैन गो नाउ। थैंक यू। डोंट वरी प्रकाश। अरे ये क्या, डोंट वरी। हाँ, उस सूर्य की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ मैं। कोयम्बतूर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के बारे में आपने जानकारी हासिल की, मगर वहाँ के कलेक्टर ने उस FIR को कैंसिल किया, ये बताना भूल गए। सॉरी बेटा, आसमान से टपका और खजूर मटकी आले बरा। आई एम वेरी सॉरी। नो 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 एक्सक्यूज। ऐसा नहीं होगा। बजाय क्या है, बुढ़ापे में सड़िया गया बुढ़ा। प्लीज आइए। 5 बजे रोटरी क्लब में फंक्शन है मैडम, और 7 बजे मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मैडम, और 9 बजे दूरदर्शन। वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए। सेल्वी मैडम, कल जो मैटर दिया था वो फैक्स कर दिया। भेज दिया मैडम। ठीक है, तुम जाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ बैठिए बैठिए ना। थैंक यू। तुम वो कोयम्बतूर के किसानों के मामले के? सूर्या। हाँ सूर्या, that's right. ये हैं प्रिया। अगले हफ्ते असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइन कर रही हैं। वेरी गुड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैडम? एनी हेल्प बोलिए।
मैंने और सूर्या ने एक साथ ट्रेनिंग खत्म किया, लेकिन सूर्या के रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में रखे हैं। What nonsense is this? मैंने खुद उस मामले को रद्द कर दिया था, फिर क्यों ये यूपीएससी वाले इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं? हाँ ओके सूर्या, तुम फिक्र मत करो, एफएआर की कैंसल्ड कॉपी मैं उनको फैक्स कर देती हूँ। विद इन अ वीक्स टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। ए घर जाने के बाद रोज मुझे फोन करोगे ना? मैं गांव नहीं जाऊंगा प्रिया। क्यों? क्योंकि मैं गांव कलेक्टर बनकर ही जाऊंगा, मेरे पिताजी नहीं पूरा गांव मुझसे यही उम्मीद रखता है। सो ऐसी हालत में मैं वहां नहीं जाऊंगा। ए तुम घर नहीं जा रहे हो ना, तो मेरे साथ उड़ी चलो, घर में उमा माँ सब तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। चलो ना नहीं, प्लीज प्रिया, नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, चलो ना प्लीज। हाँ बोलो ना प्लीज। ओके ये क्या प्रिया, तुम तो चले ही जा रही हो। ए नखरे मत दिखाओ, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मीलों चला जा सकता है। झूठ क्यों बोल रही हो? क्या कि मैं खूबसूरत हूँ? नहीं तुमने कहा था घर पास में ही है। हाँ। लेकिन लगता है अफ्रीका बॉर्डर पार कर रहे हैं। देखो ज्यादा भाव दिखाए ना तो मैं भी दिखाऊंगी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रिया एक बात जानती हूँ, ऐसी वादियों में कोई अगर काटे तो उसका जहर नहीं चढ़ता है। मैं नहीं काटूंगा, तुम चाहो तो काट लो, पर मेरे होठों को मत काटना। ठीक है मैं काटता हूँ, खुद को काटता हूँ। ठीक है प्रिया। क्या मुझे अगवा तो नहीं कर रही हो? क्या कुछ नहीं, रास्ता बहुत सुपर है, तुम्हारे कोयम्बतूर से अच्छा है। वो देखो वही मेरा घर है। अरे बाप रे, बहुत नजदीक है। आना आओ। नमस्कार, सुस्वागतम, योर अटेंशन प्लीज, मिस्टर सूर्या आईएएस ऑफिसर। प्रिया की छोटी बहन इस सुंदर उमा को देखते ही अपने मन को चंचल किए बिना अपनी उड़बी का हाथ पकड़कर उनके साथ अंदर पधारिए, सदा आपकी सेवा में उमा 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 उमा। आओ बेटे, आइए आइए, पधारिए पधारिए। नाइस हाउस। हाँ, ये नाइस है, ये नाइस। hey. अच्छा जीजू, आप मेरे कमरे में रहेंगे या प्रिया दीदी के कमरे? hey, हमारे घर में गेस्ट रूम है ना, इन्हें वहाँ लेके जाओ। बात हो नहीं है दीदी, दरअसल इस घर में ये नए नए आए हैं ना, कहीं ये अकेले डर नहीं जाए इसलिए। गुड्डी बुजुर्ग की बातें छोड़, इनका सामान अंदर रख। ओहो हाय सलमान, आर्म्स दिखा रहे हो? घर में 16 साल की लड़की है, ये आर्म्स दिखा के उसे पटा लूंगा ऐसा सोच रहे हो? हाँ ऑलरेडी एक आईएएस टिकट वेटिंग में है, फिर एडिशनल टिकट की कोशिश क्यों? हे पगली, कैसे मेरे मन में जो है वो बिल्कुल टेरी प्रिंटर की तरह बोल रही हो? आए भगवान। मैंने जब पहली बार तुम्हें आगरा में देखा तो दिल दे बैठा। अच्छा तुम जब हंसती हो तो गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। ये बात है? हाँ, वो देखकर मैं मर मिटा। लेकिन प्लीज ये बात तुम अपनी दीदी से मत बताना। दीदी रूट बदल रहे हैं। ए, ए, क्या हुआ? वो क्या है ना, वो क्या है, जीजू मुझे लाइन मार रहे हैं। अच्छा तो इसीलिए कुछ पड़ी कर रही थी। ए, तुम्हारे बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम उन्हें लाइन मत मारना, समझ गई? ए, क्या क्या, वो तो मेरी शराफत थी जो मैंने इन्हें लिफ्ट नहीं दी, समझ गई? और तुम मुझ पे शक कर रही हो? ओके ठीक है। हे जीजू आगरा वाला मैटर ओके? क्या है आगरा मैटर? वो अंदर की बात है, डोंट डिस्टर्ब। हे जीजू तुम बिल्कुल यूजलेस हो। क्यों? क्या सुबह से गिटार उठा रखा है, अपनी आधी घर वाली को उठा के वजन तो बताओ। तुम क्या मुझे उठा पाओगे? ओए क्या है? क्या दिखाऊं? हो जाए अभी दिखाते हैं, पकड़ो। सूर्य ये सब 50 किलो, 25 किलो चर्बी, 25 किलो मांस, और उसका वजन इधर आओ, ये पकड़ो। नहीं पचास किलो मांस, 5 किलो अकड़। हो गया, अब और किसका वजन देखूं? ओके ओके जस्ट रिलैक्स। वैसे अगर आपने एक और काम कर दिया ना तो मैं आपको सुपर किंग मान लूंगी। कौन सा काम? कुछ खास नहीं है, बहुत दिनों से मेरी माँ का वजन क्या है पता लगाना था। क्यों नहीं हो सकता ना, जानती थी। ओके कम ऑन आंटी। आंटी क्या बात है? कुछ नहीं, आपका वेट जानना था। तो एक बार आपको उठाऊंगा तो जान जाऊंगा।
अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने मुझसे शर्त लगाई है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। आंटी मेरी इज्जत का सवाल है। आंटी आंटी एक बार, ये कैसा बचपना है? आंटी एक बार आपको उठा के देता हूँ। आंटी आंटी नहीं छोड़ प्रिया। आंटी अरे आंटी एक बार आंटी। हे चेक, हे कम ऑन यार, क्या हुआ तुम्हें? हे प्रिया, व्हाट हैपेंड टुडे? हमेशा तुम्हें मुझे चेक करती थी, आज बहुत डल दिख रही हो। ओ, कल मैं तुम लोगों को छोड़कर अपने गांव जा रहा हूँ, इसी बात की चिंता हो रही है? नहीं, तुम तीनों से बिछड़ने का गम है मुझे। ये क्या बोल रही हो? देखो सूर्या, तुम्हारे जॉइनिंग ऑर्डर के मिलने तक तुम अपने घर नहीं जाने वाले, तब तक तुम यहीं पर रह सकते हो ना? लेकिन क्या लेकिन, तुम यहीं रहोगे, यहीं पर रहना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो? आज पता लग रहा है कि तुम वाकई आईएएस ऑफिसर हो। आप फिक्र मत करो जीजू, इससे भी टेस्टी खाना मैं खिलाऊंगी आपको, ट्रायल देखेंगे। तो ये चाय पी लीजिए, मेरी तरह स्वीट है। चीनी ज्यादा डाली होगी? नहीं जीजू, इसमें प्यार, अपना प्यार मिलाया है। डोंट वरी, मैं अपनी हद पार नहीं करूंगी, पीजिए ना जीजू। हाय, हेलो। अरे हाय प्रकाश, तुम कैसे हो? फाइन। हाय हैंडसम। हाय खराबादी। क्या प्रकाश, बताए बिना चले आए यहाँ पर? क्यों, तुम दोनों बता के आए थे? खैर छोड़ो, टेंशन में हो क्या? सूर्या, जो कुछ हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है, अगर मुझे बता देते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। बताए नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। प्रिया आओ बेटा, कब आए तुम? बस अबे, जस्ट नाउ। कैसे हो तुम? वंडरफुल, ऑलवेज वंडरफुल। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, बैठो ना। बैठने से पहले एक रिक्वेस्ट, क्या मैं भी इस घर में एक दिन रुक सकता हूँ? एक दिन क्या, चाहे तो एक हफ्ता रह लो। अरे अरे, ये नामुमकिन है, मुझे कल ही ड्यूटी जान करना है। सूर्या जैसे फुर्सत में रहता तो एक महीने के एक उम्र ही रह जाता मैं। अरे माजी, चूहे खोद रहे, भूख लगी है जोड़ों की। 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, बैठ जाओ। थैंक यू। नाइस गेम। ए, रिवर्स गियर नाम का भी कुछ है, तूने कभी सुना है? ये देखो, चेकमेट, सॉल्व इट। क्या हुआ भाई, चेहरे पर बहुत बदलाव दिख रहा है। करेक्ट, मेरे अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है, ये मैं भी जानता हूँ। कुछ नहीं सूर्या, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन न जाने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया। ओके, मैं समझ गया, अब तुम अच्छे से लड़की देके शादी कर लो, सब ठीक हो जाए। अपने बाप से बात कर लो। अगर बाप से कह दूंगा तो लड़कियों की लाल लगा देंगे वो। लड़कियों की भीड़ देखते ही मुझे रेड एरिया याद आता। शिट। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जिंदगी में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। क्यों, है कोई? कौन है, कौन है, कौन है, है कोई? Who is that lucky girl? वो लकी नहीं सूर्या, दरअसल लकी मैं ही। hey, पहली मत पूछा यार, कौन है वो? तुम भी उसे जानते हो। कौन? प्रिया, प्रिया को जब भी देखता हूँ, शबनम की तरह जब उसकी मासूमियत को देखता हूँ, अजीब सी खुशी होती है। उसकी निगाहें, उसके गाल, उसके होंठ, सबको अपने दिमाग के कॉम्पैक्ट डिस्क में फेड करके सीधे दिल में डाउनलोड किया है मैंने। उसके बिना मैं नहीं यहाँ है। ऐ सूर्या, मेरे जज्बातों को तेरे सिवा यहाँ समझाने को बोलो। अपने बाप से कहूं तो वो कहेंगे खरीद के लाओ, लेकिन तू ही मेरे यार, तू ही मेरे जज्बात की कदर करेगा। हे सूर्या, फिर माँ के पला पड़ा हूं, माँ की जगह रहकर तुझे ही मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। hey. तू करेगा, मैं जानता हूं, यू विल हेल्प मी। सूर्या, तुम्हारा भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाता तो एक साथ ज्वाइन कर सकते थे, मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लग रहा है। hey, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, सही टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए, ऑर्डर आ जाएगा तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। दरअसल दीदी, जल्दी जाओ ना, सुबह से प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फ्री की लिफ्ट है, कहीं गुस्से में वो तुम्हें छोड़ के चला गया था। hey. फिक्र मत करो जीजू, आपका ख्याल मैं रखूंगी। गुड़िया अभी आई, जरा ये सामान ले जाओ। या अरे, खाना बहुत बढ़िया था, थैंक्स, चलता। ठीक है बेटा। सूर्या, चलता हूँ मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चले क्या? तो मैं कह रहा था, ये क्या जीजू, देर हो रही है ना, राल बाद में टपका लेना। गुड्डी,
मैं जानती हूँ तुम क्या बोलने वाली हो, जीजू का ख्याल रखने को ना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस वक्त वो कितने परेशान हैं, इसीलिए तो उन्हें हंसाने के लिए ये सब कर रही हूँ। ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। गुड डे दीदी। तेरे रिजल्ट कब आ रहे हैं? नेक्स्ट वीक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। चल। बाय बाय दीदी। बाय सूर्या। बाय। हे करण, प्लस टू का रिजल्ट प्रिंट हो गया? मालिक ने अभी प्रूफ रीडिंग ओके करके प्रिंटिंग शुरू करने के लिए कहा है मालिक। वो यही है ना? हाँ यही है। उसमें 306145 है कि ना देखो। हाँ ये नंबर है ना। प्रिंटिंग में वो नंबर नहीं होना चाहिए, निकाल दो उसे। ये आप क्या कह रहे हैं? ए, अब हिंदी में सुन, 306145 नंबर नहीं होना चाहिए, निकाल दे उसे। उसे निकाल दिया तो वो स्टूडेंट खुद को फेल समझेगा ना। ए, जा के तू मुझे समझा रहा है? इससे हमारे पेपर की बदनामी हो जाएगी ना। ए, बदनामी की तू फिक्र मत कर, कल सुबह के एडिशन में करेक्शन बोलकर बॉक्स में छाप देना, फिर देखना बदनामी से बच जाओगे। बात करता है। ए, चल हट, रिमूवर लेके आ। ये लीजिए साहब। चल 306145 उमा, तू फेल। राजेश अंकल कहाँ है? प्रिंटिंग सेक्शन में कौन है? हे मदन, तूने जो किया है गलत किया है। क्या गलत किया मैंने? हे, तुम दोनों के बीच 1000 प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं कौन हूँ उसे जानना चाहिए? मेरे स्टेटस का उसे पता चलना चाहिए। मेरी हैसियत जानकर भी उसने मुझे पुलिस स्टेशन में खड़ा किया। हरामखोर, अगर तेरा बाप अखबार वाला है तो तू स्कूल जाने वाली लड़कियों को हाथ लगाएगा? इसने क्या किया है? वाटर पैकेट खोल के मेरे ऊपर फेंकने लगा। जब मैंने इसे मना किया तो कहने लगा क्या तीसरा दिन है, केयर फ्री लाओ या विस्पर लाओ, ऐसा पूछने लगा। ए, आवाज क्या करता है कुत्ते की औलाद? तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा तू याद रखेगा। उसकी वजह से पुलिस वालों ने मेरे कपड़े उतार कर मेरी पिटाई की। ए, पगली, यहाँ क्या कर रही है? कुछ खास नहीं जीजू, आज मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो पेपर लाने के लिए मार्केट तक जा रही थी। रहने दे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ही जाके नंबर देख के। ऐसा टेंशन हर एक के लिए आना सहज है, तू क्यों चिंता कर रही है? तूने तो सब कुछ सही लिखा है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाय पगली कहीं। बारिश की वजह से घाट रोड बंद है, दोनों तरफ ट्रैफिक रुकी हुई है, गाड़ी लेट आने वाली है। एक हिंदू पेपर देना। नहीं आया। नव भारत टाइम्स? वो भी नहीं आया। तो प्लस टू का रिजल्ट जिसमें आया वो पेपर दीजिए। गाड़ी नहीं आई इसलिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ओ, बस ही नहीं आई। गुड्डी तू चढ़ाए जरा देख के आ। रुको ना माँ, मैं न्यूज तो देख लूँ पहले। नमस्कार, सन नेटवर्क से मुख्य समाचार। मार्च में हुए 12वीं कक्षा के परीक्षा के परिणाम आज घोषित हुए हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। इस वर्ष ओफो, बिजली को भी अभी जाना था। गुड्डी, अपनी फ्रेंड गीता को फोन करके पूछ उनके यहाँ करंट है कि नहीं। ये फोन तो खराब पड़ा है माँ। पहले ये मिठाई लो।
इसकी जरूरत किसे है? आंटी पकड़ो। ओके। चीजू पेपर कहाँ है? पेपर नहीं मिला। मजाक मत कीजिए ना। ये रहा ना चीजू। ये रहा। चीजू प्लीज। ओह चीजू प्लीज। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जीजू मेरा नंबर नहीं है इसमें। ठीक से देखो। नहीं है जीजू। ठीक है, इसमें देखो। इसमें भी मेरा नंबर नहीं है जीजू। जीजू तुम्हें अच्छा लगे जीजू। चलो देखते हैं। क्या हो बेटा? डोंट वरी। 346। ओके। क्यों बेटा? इसका नंबर नहीं छपा है? नालायक, मैं जानती थी इस पर जरूर फेल हो जाएगी। नहीं जीजू, मैंने अच्छा लिखा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं फेल नहीं हो सकती। अरे कमीनी, तुझे मैंने अपना पेट काट काट के पढ़ाया, फिर भी तू पास नहीं हुई। एक तो लड़की जात ऊपर से फेल होगी। तू जानती है मेरे पास जितने भी गहने थे तेरी पढ़ाई में लगा दिए। बोझ के ऊपर बोझ मेरी तो किस्मत खा गई। नहीं माँ, मैं फेल नहीं हो सकती। जीजू मैंने सच में अच्छा लिखा था। उमा, मन छोटा मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो सुनो, अक्टूबर नवंबर में फिर से एग्जाम लिखकर पास हो सकती हूँ। ओके? नहीं जीजू, मैंने अच्छा लिखा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो जीजू। Thank you.
अब तो माफी मांगने के लायक भी नहीं रही। मैं जा रही हूँ। उमा 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 सुनो, तुमने किसी लड़की को जाते देखा? उस तरफ जाते हुए देखा है। गुड्डी, गुड्डी, उमा तुम्हारी वजह से वो फेल हो गए सोचकर उसने खुदकुशी कर ली। बेटी, मेरी बेटी। सर, हम सन टीवी के रिपोर्टर हैं। हम राज टीवी के। सर, यहाँ उमा कौन है? उमा छोड़, क्या बात कर रहे हैं सर? आखिर क्या हुआ? फेल होने की वजह से जल्दबाजी में आत्महत्या कर ली। सर, उमा तो स्टेट में फर्स्ट आई है, उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम आए हैं। ये क्या कह रहे हो? सर, ये तो कल शाम टीवी न्यूज में भी आया था। न्यूज में बोला था, पर कल तो किसी भी पेपर में नंबर नहीं आया। आज सुबह के पेपर में देख लीजिए। पास ही नहीं, रैंक, स्टेट फर्स्ट रैंक। तेरा इंटरव्यू लेने कितने लोग आए हैं देख, जल्दबाजी कर दी, तू तो पास हो गई, लेकिन हम सब फेल हो गए। अब तो खुश है ना? क्यों जल्दबाजी की?
वो आई। हाँ, अरे उमा अच्छी तो थी, ये सब कैसे हुआ? आंटी, क्या हुआ आंटी? फेल हो गई समझ कर इस रात को तक। उमा, तुम तो पास हो गई थी, हम सब तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? उमा, तू यहाँ क्यों आया है? उमा तेरी वजह से मरी है। तू यहाँ आया तो इसका पक्ष शांति नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। फूल लेके यहाँ आया है, तू इंसान नहीं है, हैवान है, जा यहाँ से। बेवजह उसकी जान ले ली है तूने। ये क्या कह रहा है सर? उमा से बदला लेने के लिए उसके पास होने पर भी उसने अपने अखबार में हेराफेरी करके उसका रोल नंबर मिटा दिया सर। उमा की मौत का जिम्मेदार यही है सर। जा यहाँ से। ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया? सॉरी। वही सॉरी मैं बोलता हूँ। उसकी जिंदगी लौटा सकता है, उसकी जिंदगी लौटा सकता है। वो स्टेज में फर्स्ट आई थी, तूने उसकी जान ले ली। ए, मैं किसका बेटा हूं तू जानता नहीं क्या? क्यों क्यों तूने ऐसा किया? क्यों? वेलकम मिस्टर प्रकाश। एक यंग ऑफिसर इस जेल के सुपरिंटेंडेंट बना है देखकर मुझे खुशी हुई। तुम इस पद पर रहकर अपना नाम रोशन करोगे, तुमसे यही उम्मीद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी बधाई की उम्र बहुत कम है सर। जस्ट वन डे 24 आवर्स, क्योंकि एक दिन के मुख्यमंत्री की तरह मैं एक दिन का आईपीएस हूँ। आपने लेना है पिता के सपनों को साकार करने के लिए। डैड सारी वक्त पर ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, कल इसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा मैं। मजाक कर रहे हो क्या? दिल्ली जाने से पहले इस जेल के सारे रिकॉर्ड्स तुम्हें हैंडओवर करना है। एलेक्स। यस सर। सर, इस जेल के सारे कैदियों की लिस्ट यही है। इस जेल में कुल मिलाकर 1052 कैदी कैद है। उम्र कैद की सजा काटने वाले 260, गुंडा में 430, रेप केस 120, अटेम्प्ट मर्डर 210, बाकी के 32 लोग। उनका रिकॉर्ड जल जाने की वजह से किसी को पता नहीं कि उनका क्या करें। उनके डिटेल्स हासिल करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोग राज्य के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। ये क्या? कम कर लूंगा। डिलीवरी से पहले कम करना। यस सर। डिपार्टमेंट को फायदा होगा। यस सर। एक सिगरेट दोगे? आदत नहीं है। आदत नहीं है तो ये क्या है? जेब से पूरा माल निकालो। अरे निकालो, जेल के अंदर ही दुकान, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। एमपीएमएलए जैसे दारू का धंधा करते हैं। साहब जी, आज आप अपनी दुकान बंद कर देंगे? माफ कर दीजिए सर, मेरी नौकरी के लिए आपकी मेहरबानी चाहिए। पकड़ो। नमस्कार बड़े भाई साहब, कितने साल हो गए सर? 35 साल सर। अरे वाह, दो उम्र के जेल में काट लिया आपने। और आप? राइटर सर। नमस्ते साहब, आपके लिखे सभी रिपोर्ट किस्तों में छपते तो साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलता, क्योंकि कल्पना से कहानी रचाकर इंसान की जिंदगी से खेलने की कला ब्रह्मा ने केवल आपको ही दी है। मेरी मानो तो इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड देना चाहिए। 10-10 साल पहले आपको रिटायर हो जाना चाहिए। बेटे,
तुम तो मेरे बेटे के बराबर हो। अबे चाल फोड़। एक बाप की वजह से 24 घंटे जेल में जाना पड़ गया मुझे, और ऊपर से ये आ गया। क्यों मस्का पाने के लिए कोई और नहीं मिला? लगता है तुम लोग अमूल कंपनी को ही खरीद लोगे। पचपन छप्पन संतावन अठावन उनसठ साठ, बाप रे 6 बज गया। माय डैड आपकी इधर तकलीफ बने, एक दिन के लिए आप अफसर बन गया। एंजॉय लाइफ एंड रिजाइन। धक 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 धक। यस सर, आई एम फोर्स टू रिजाइन ड्यू टू माय पर्सनल। सुनो डैड, अब मैं रिजाइन नहीं करूंगा पार्टनर द्वारा, अब इसके साथ बिजी हो जाऊंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते। सलाम साहब। सलाम सर। प्रकाश। सूर्या, ओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां मिलोगी। मैंने भी नहीं सोचा था। सूर्या, सूर्या क्या हुआ, क्या हुआ मुझे बता। सूर्या कम ऑन टेल मी। सूर्या इंस्पेक्टर क्या हुआ, इन्हें अरेस्ट क्यों किया? सर, उमा नाम की एक लड़की का प्लस टू का रिजल्ट बदलने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट माधव के बेटे को इसने जान से मार दिया सर। मर्डर केस सर, कोयंबटूर कोर्ट ने 302 के तहत से रिमांड में भेजा है सर। कोयंबटूर जेल में कैदियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसे इस जेल में शिफ्ट किया है सर। What the hell are you talking? No, I can't believe. ये एक जिम्मेदार आईएएस अफसर है और मेरा दोस्त है। सूर्या, जस्ट अ मिनट प्लीज प्लीज। यस सर, आ जाओ। सूर्या मैंने ये वर्दी पहनी थी सिर्फ एक दिन के लिए, अब तेरे रिलीज होने तक मैं सुधारूंगा नहीं। मेरे पास पैसे हैं, इन्फ्लुएंस है और ये पोस्ट है, इसके जरिए रिहा कराऊंगा। डोंट वरी माय फ्रेंड। ए, तुम साले बोलना पड़ेगा, जाओ तुम भी जाओ। सुनिए क्या है, मेरे बेटे से मिलना है। नाम लिख दिया है? हाँ। तो आ जाएगा। ठीक है। क्यों भाई, इससे अच्छी कलम नहीं है क्या? सुनो, ये मिला के 50 कलम हो गई, लिखो, लिख के देखो। अरे लिखने के लिए कहा तो रगड़ रहे हो। जिस तरीके से मैं जानता हूँ वैसे लिख रहा हूँ। हाँ अच्छा लिख रहा है। हाँ, अंगूठा छाप है। कम मत समझो, अगर कोई चाहे तो दस्तखत को नकल कर सकता है, लेकिन अंगूठा छाप को नकल नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया में एक ऐसी भाषा है कोई टकराव नहीं कर सकता। अरे वो तो ठीक है, लेकिन एक बार लिख के देखो। अबे जा, इससे पहला दस्तखत मेरा बेटा जब कलेक्टर बनेगा तभी करेगा, तब तक इस कलम से एक लकीर भी नहीं खींचूंगा। पिताजी, पिताजी। बेटे आप कैसे हैं? पिताजी, पिताजी आप यहाँ यहाँ क्यों है? ये क्या सवाल किया तुमने? बेटा सूर्या, इस हालत में तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। तुम्हें इस तरह देख के मेरी जान क्यों नहीं चली गई? हे भगवान। पिताजी आप गांव चले जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। प्रकाश बेटा, तुम जाओ, तुमने तो ये बात मुझे बताई नहीं। अपना प्रकाश इतने बड़े औहदे पे यहाँ है, तू अंदर क्या कर रहा है? बोल के बाहर आना था ना। प्रकाश, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि मेरे सामने भगवान है। तुम इतने बड़े अफसर हो तो मेरे बेटे को अंदर क्यों रखा गया है? तुम्हारे कहने भर से मेरा बेटा छूट जाएगा। एक बात कहो ना प्रकाश। बेटे बेटे, मैं अपनी पूरी जायदाद सरकार के नाम कर दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कहो ना। आज तक तुम दोनों भाई भाई की तरह रहते थे, देखो तुम बाहर हो, मेरा बेटा अंदर है, दया करके उसको छोड़ दो ना। सब ठीक हो जाएगा चाचा, मैं हूं ना। इस प्लेट को सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या इस प्लेट को प्लेट में बदल नहीं सकते हैं क्या? क्या मतलब? इस प्लेट को प्लेट में बदलना नहीं जानते हो? शंभुनाथ, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे।
खाना तैयार है, आ जा। अरे तुम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर एक अटेम्प्ट बटा हुआ हा? ये कौन है? मेरा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त। अरे जिसने भी इसे छूने की जरूरत की उसकी हड्डी बस लेकर दो, मार के धज्जे लगा दो उसके। जाओ जाओ। सूर्या, I'm sorry, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सका। प्लीज, मैं इन हरामजादों की। चलो सूर्या। एंड दिस माय लास्ट वार्निंग, वार्डन का कहना मानकर सबको पेश आना होगा, वरना एक भी साला अपनी टांग पे खड़ा नहीं होगा। प्रकाश। हाय प्रिया, उमा के साथ जो हुआ मैंने सुना, आई फेल्ट वेरी सैड। खिलने से पहले उसकी जिंदगी मुड़ जा गई। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कैसे किस तरह तसल्ली दूं। सुपरिंटेंडेंट सर, मुझे सूर्या से मिलना है। देखो प्रिया, ये तो सुपरिंटेंडेंट सर, मुझे सूर्या से मिलना है। ओ, सब कलेक्टर की ऑफिशियल विजिट है ना? यस मैडम। एलेक्स मैडम को ले आओ। यस सर। प्लीज मैडम आइए। मैडम हसले हसले, उसे सैल्यूट मारना पड़ा ना, वो इसलिए, वो आईएएस और मैं आईपीएस, इसी के चक्कर में पड़कर मैंने दो मार्क्स गंवाए और आईपीएस बना। अगर आईएएस बना हो तो सूर्या, क्यों हमने किसी का क्या बिगाड़ा? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था,
प्रिया हमारा प्यार, पहली बार एक दूसरे को देखना, पहली नजर का प्यार बोलते हैं ना, वैसा नहीं है। या फिर टीनेज अट्रैक्शन बोलते हैं ना, वो भी नहीं है। एक दूसरे को ठीक से समझकर एक मैच्योर लव है। हम सोचें तो ये प्यार है। तुम किसी और से शादी कर लो। ये क्या कह रहे हो? हाँ प्रिया, अपने पिताजी की इच्छा अनुसार मैंने आईएएस ऑफिसर बनना चाहा, लेकिन आज कैदी बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं अपने भविष्य को ही नहीं जान पा रहा हूं। ऐसे रहते हुए तुम्हारे भविष्य में रुकावट डालने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्या मतलब है? तुम मुझे भूल जाओ, तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। कैसे भूलूं? कैसे शुरुआत करूं? अपने ओहदे के मुताबिक किसी और से शादी करके खुश रहो। शट अप! मैं तुझे ना पसंद हूं ये कह सकते हो, लेकिन किसी और से शादी कर लो ये कहने का हक तुम्हें नहीं है। प्रिया मेरी बात तो समझो। तुम मुझे ऐसा कहोगे? ये मैंने सोचा भी नहीं था। प्लीज मेरी बात सोच कर देखो। तुम जैसे बेदर्द इंसान से मैंने प्यार किया, ये सोच के मुझे खुद से नफरत हो रही है। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। सूर्या, मैं तुमसे दिल की बात कहना चाहता हूं, और कुछ नहीं, प्रिया के बारे में। इस सिलसिले में मैंने तुमसे उठी में बात की थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं कि मैं तुमसे कुछ कहूं। लेकिन मेरे दिल की बात सुनने के लिए यहां तुम्हारे सिवा और कौन है? वो मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही है सूर्या। वो मुझे दोस्त क्या? इतना प्यार करने के बाद भी वो मुझे एक अजनबी समझती है सूर्या। उसके दिल को तुम बदल सकती हो, उसकी रजामंदी से ही मेरी शादी होगी। तुम उसे बात करो और मेरे लिए राजी करो, सिर्फ तुम ये काम कर सकती हो। प्लीज सूर्या। मैं अंदर हूं, वो बाहर है। ऐसी हालत में मैं कैसे बात कर सकता हूं? मैं दोबारा उससे मिलूंगा तो तुम्हारी बात करूंगा। थैंक यू सूर्या, तुम दोनों की मुलाकात मैं कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें पेरोल में मैं बाहर निकालूंगा। श्योर। मिस्टर प्रकाश, आप जिसे अपने साथ ले जा रहे हैं उस पर कत्ल का इल्जाम है, आपको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ओके सर, आई टेक केयर। मेरी बात पर जरा गौर करना प्रकाश, हमारा सिर्फ दोस्त ही नहीं, हमारे साथ पढ़ा, घुल मिल कर रहा है, दूसरों से भी वो हमें ज्यादा समझता है। He is born with silver spoon। इनकी शानो शौकत के सामने है, मैं अपनी लड़की दूंगा, मैं अपनी लड़की दूंगा बोल के लोग लाइन में खड़े हैं। इसके बाद भी कितना सिंपल रहता है, समाज में जिनका मान सम्मान है, इसलिए तुम दोनों खुश रह सकते हो। तुम आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर, मुझे पहेलियां बुझाने की आदत नहीं है। प्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम इससे शादी कर लो, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। सूर्या, have you gone mad? तुम क्या बोल रहे हो, इसका तुम्हें एहसास है? है। गुस्सा मत, शादियों का जोड़ा जन्नत से बनकर आता है लोग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचे तो हमें अपना जीवन साथी खुद ही चुनना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुम्हारे भले के लिए मैं सब बोल रहा हूँ प्रकाश, तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हें किसी से शादी करनी चाहिए। तुमने क्या सोचा मैं ये सब बोलूंगा? इसीलिए जल्दबाजी में साइन करके मुझे पैरोल पर लेकर आया। ए, ये क्या कर रहा है? क्यों बे क्रिमिनल, गौरवपूर्वक मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था तो मेरे बारे में दुनिया भर की रिसर्च करके एक पुरानी एफआईआर के जरिए मेरी लाइफ स्पॉइल करनी चाहिए तूने? ये जिंदा रहा तो प्रिया इस जन्म में नहीं मिलेगी सोचकर, अपना पुराना दोस्त है ये भी भूलकर जेल के अंदर तूने मुझे मरवाना चाहा ना, खुद किसर बोलता है? अरे सूर्या, तो जो भी कर रहा वो ठीक नहीं है। मैं ठीक कर रहा हूँ क्यों बे? प्रिया को
पहला फुसलाकर मेरे ही जरिए तो अपना प्रिया के साथ मुहूर्त फिक्स करवाना चाहता था ना, कैसा रहा मुहूर्त? ये मत बोलना कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं हत्या नहीं पिस्तौल भी लाया हूँ। मार मार, दिमाग घर पर रख के आया क्या? मुझे पैरोल पर लाकर तू मार सकता है क्या? मेरे लिए खुद साइन डालकर तू लेकर आया, इसलिए मुझे सुरक्षित लौटाने की जिम्मेदारी तेरी है। मेरे ऊपर जरा से भी खरोच आई तो तू फिनिश, जानता है ना? ओह शिट। शिट नहीं, बुलशिट। ओए ओए, क्या है क्या है? तू ब्लैकमेल कर रहा मुझे। इस दुनिया में फ्रेंडशिप के जरिए इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला तू अकेला जानवर है। मार, अबे मारना। खुद को अकलमंद समझ कर दूसरों को उल्लू समझने वाला उल्लू का पट्टा होता है। दोबारा मुझसे मत भिड़ना, संभाल नहीं पाएगा। प्रिया चलो, हमें कितने बजे वापस जाना? 5 बजे। तो जल्दी में है तो यहीं बैठ के इंतजार कर, हम अभी आ जाएंगे। सर, सर, ये क्या सर, आपके चेहरे पे इंडिया का नक्शा है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पैरोल पर लेकर गए थे ना, तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया, तो मुझे बचाने के लिए साहब ने छलांग मारकर फाइट की, इसी में थोड़ी बहुत खरोंचे आ गई। क्यों, मैंने सही कहा ना? ए, सूर्य ना सर, एक मिनट रुके सर। सर ये देखिए सर, ये इंडिया का नक्शा नहीं है सर, दुनिया का नक्शा सर, मैं दिखा रहा हूँ सर। ए, सूर्य, इधर आ, इस पर साइन कर। अरे बाप रे, इतनी मार खाने पर भी चर्बी नहीं गई है, क्यों दर्द ज्यादा हो रहा है? अच्छा, दोबारा मुझे कब लेके जाओगे? इसलिए तो कह रहा हूँ, बार बार मुझे पैरोल पे ले जाओगे तो तुम्हारा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। गेट आउट। अच्छा, आज हम जिस जगह गए थे उसका नाम क्या है? महाबलीपुरम। बहुत रोमांटिक जगह है, थैंक यू। हाँ हेलो, संध्या समाचार। हाँ माधव जी हैं? हाँ मैं माधव बोल रहा हूँ। हाँ मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। तुरंत तुरंत मेरे ऑफिस में आओ, 10 मिनट में। क्या बात है प्रकाश, मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? तुम्हारे बेटे को मरे कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? 2 हफ्ते हो गए। शर्म नहीं आती? उसके मरने के 24 घंटे के अंदर सूर्या की मौत की खबर पेपर पे नहीं छपनी चाहिए? उसको अरेस्ट करके कहां तो जेल में रखा है ना। वाह, मेरे बाप के साथ साथ तुम्हारी भी मंदी मारी गई। वो कहीं और नहीं है, यहीं पर है, मेरी कचड़ी में। कहां है, कहां है वो? मैं उसे गोली मार दूंगा। उखाड़ोगी तुम, उखाड़ उखाड़ के सर को मैदान बना लिया तुमने। मैदान के नीचे भी कुछ है या नहीं? भाई जी नमस्ते। ओए, नौटंकी जग रहा है क्या? हाँ तेरी तो। हटा, ओए, तुम्हें अलग से समझाऊं क्या? हाँ सब के सब मेरे ही मुताक रहे हैं, मैं कोई तमाशबीन हूं क्या? क्या बे तेरी तो। ओए, अगर मैंने बेल्ट उतारी तो सबकी चमड़ी उधर जाएगी। हेलो, इस तरफ। आपका दोस्त सर। हेलो, क्या बात है साहब, मुझसे नजरें चुरा रहे हो? ओए, तू मेरी गिरफ्त में, ये मत भूलना, तुझे पैरोल में नहीं परलोक लेके जाऊंगा। हे, तेरी जगह पे ही बोल रहा हूं, कल सुबह ठीक 5 बजे मैं फरार हो जाऊंगा। तू फरार होगा? ठीक 5 बजे, हिम्मत है तो रोक लेना। सर मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। क्या कर सर, अभी अभी खबर मिले कि हमारी जेल से एक कैदी फरार होने वाला, और उसे रोकने के लिए मुझे शूट एट साइट ऑर्डर चाहिए होगी, तुरंत सर, तुरंत। जल्दबाजी मत करो मिस्टर प्रकाश, रूमर के बिना पर किसी को फायरिंग ऑर्डर नहीं दे सकते। सर अगर वो फरार हो गए तो मैं सॉरी मिस्टर प्रकाश, अगर चाहे तो मैं एडिशनल पुलिस बटालियन भेज सकता हूँ। सर रिजर्व पुलिस रिपोर्टिंग सर। मेरे साथ आओ। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? मच्छर काट रहे हैं सर। मच्छर काट रहे हैं सर। क्या बोला साहब, मच्छर आपको काट रहे हैं? परेशान कर रहे हैं तेरी जात का। ए, तू यहाँ हनीमून मनाने आया? ड्यूटी, मच्छर तुम्हें काटते रहेंगे तभी तुम लोग जागते रहोगे। ए, किसी ने सोने की कोशिश की तो हमेशा के लिए सुला दूंगा। एक छोटी सी अर्ज है सर, मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाएगा। नहीं के बेइज्जती खराब होने के बाद मलेरिया क्या, एड्स क्या? अरे बाप रे, मच्छर। ए, क्या देख रहा, मैं एक अफसर हूँ,
मच्छर मार सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप मार सकते हैं सर, आपके दोस्त भी मार रहे हैं। क्यों भाई, टाइम क्या हुआ? 2 बज गए। क्या बोला उसने, क्या बोला? हाँ सर, टाइम पूछा और कुछ नहीं। सो जा, सोने का नाटक करके ये देख रहे कि मैं कब सोऊंगा। सुबह 5 बजे देखूंगा तुझे। सर सर सर, ए, ये देखिए सर, 5 बजने के लिए 59 सेकंड बचे हैं सर। 50 सेकंड, 45 सेकंड, 40 सेकंड। टाइम बता रहा है, टाइम बम रखा। सर 5 बज रहे हैं सर। सब तैयार हो जाओ, चल बे। कमान कमान फास्ट, अलर्ट एवरीबॉडी, अलर्ट अलर्ट। Hey, कौन है यार सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है? तोड़ा बाप। मेरा बाप तो गांव में है, बात क्या है? ये बता, 5 बजे फरार होने की चुनौती दी थी मुझे? दी थी। क्यों नहीं हुए? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए? मैंने तो ऐसे ही कहा था। hey, मैं तुझे बेवकूफ दिखता हूँ? तूने कंफर्म किया? hey. अच्छा मुझे एक बात बताना, झूठ मत बोलना। कल जब हम पेरोल से वापस आए तब तुमने 4 राउंड दारू मारी थी ना? झूठ मत बोलना यार, मैं जानता हूँ। पहले राउंड पर मेरा हाथ तोड़ना, दूसरे राउंड पर मेरे पैर तोड़ना, तीसरे राउंड पर मुझे कंप्लीट सुला देना, यही तेरा प्लान था ना? ऐसा रहते हुए मैं कैसे सो सकता हूँ यार, इसलिए मैंने एक छोटा सा झूठ बोला। उसके लिए इतना तगड़ा बंदोबस्त देकर मुझे सुलाने की व्यवस्था की। कोई कुछ भी कहे उसे सच मान लेता है यार। तो कैसा आईपीएस है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर। क्यों भाई, टाइम क्या हुआ? 5 बज गए। 5 बज गए, तू अभी तक सोया नहीं? तू भी यार बस जाके सो जा यार, मुर्गे बांग देने वाले हैं। हिफाजत में सो रहा है वो? हाँ जी। उसे रोशनी नसीब ना हो, कॉल कोठरी में डालो उसे। उसके साथ हम क्या करें किसी को पता ना चले। ओके सर। ले जाओ उसे, पदक दे रहे हैं उसे। स्वर्ण पदक देने के लिए देश में और कोई नहीं मिला क्या? अरे भाई सोने का भाव इतना गिर गया, अरे मुझे पता ही नहीं चला। हर लड़की के गले में सोने की चेन तो नजर नहीं आती। सोने का भाव नहीं गिरा होगा, उनका दिमाग फिरा होगा। अक्कल के अंधे। सर क्यों बे, तुझे भी सुन पलक? टेलीग्राम सर। ए सूर्या, तेरे बाप का राम नाम सत्य हो गया। कल का बनने वाला तेरा बाप आज ही मर गया। तेरा बाप मर गया रे, तेरा बाप मर गया रे। उठ बे, उठ बे। सर। यानी इस टेलीग्राम को देखते ही तो पेरोल में खर जाएगा। तुझे पेरोल नहीं परलोक भेजूंगा। सूर्या इधर आओ, उस सुपरिंटेंडेंट पर भरोसा मत करना। तुम उसे दोस्त मानते हो लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे नाम पे टेलीग्राम है, तुम्हें दिए बगैर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ये लो, ये नहीं बताना कि मैंने दिया। नो पिताजी, प्रकाश 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 प्रकाश। हे प्रकाश प्रकाश। क्या हुआ सूर्या, क्या हुआ? पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मन में कुछ भी बैर ना रखिया, प्लीज मुझे पिताजी को देखना है, मुझे पिताजी को देखना है। हेल्प कर यार। हेल्प करूंगा, हेल्प करने के लिए मुझे तुम्हें पैरोल पे लेके जाना पड़ेगा। पैरोल में जाने के बाद तुम्हारा रवैया बदल जाता है। मोहम्मद अली बनोगे, बोल बोल के मुझे मारोगे। कैसे मारोगे? मारो 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 ना। नहीं हे प्रकाश, ऐसे मौके पर ऐसी बातें मत करिए। हेल्प आई से। ओके ओके आई अंडरस्टैंड। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। ओफो, तेरी तकदीर एकदम फूटी पड़ी है। देखो 6 बज गए, कल शनिवार परसों इतवार, 2 दिन अदालत की छुट्टी। आई जी भी चाहे तो तुम्हें 3 दिन तक बाहर नहीं छोड़ सकते। अब देखो फ्राइडे सैटरडे संडे, तुम्हें गाँव तक पहुँचने में 4 दिन लग जाएंगे। तब तक तुम्हारे बाप की लाश कीड़े मकोड़े खा चुके होंगे। ऐसी हालत में जाके देखोगे? अरे रहना तो यार, मेरी बात मानो, गेन आती है। ए, प्रकाश मैं तेरा खून कर दूंगा, मुझे बाहर निकाल, बाहर निकाल। सॉरी प्रकाश, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दे। प्लीज मुझे पिताजी का चेहरा देखना, प्लीज प्लीज प्रकाश प्लीज।
मुझे छोड़ दे। तेरे बाप की राख भी यहां आ जाए, तेरी नजर नहीं पड़ने दूंगा। प्रकाश, प्रकाश, नहीं, नहीं, नहीं। सूर्या, तुम्हारा हाल देखकर मुझे तरस आ रहा है, तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो रहा है, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। वो सब छोड़ो, सीधे किचन की तरफ जाओ। किचन के पीछे एक ड्रेनेज मैन होल है, उसमें से 40 कदम आगे बढ़ोगे वहां बाहर जाने का रास्ता है, उसके जरिए तुम बाहर जा सकते हो। वहां मुन्ना नाम के एक आदमी जीप में तुम्हारा इंतजार करेगा, उसके साथ गांव जाकर पिता का अंतिम संस्कार करके जल्दी लौट आना। ये लो लाइटर, ड्रेनेज में काम आएगा। सर, मैंने सूर्य को बचने दिया। तुम्हारी बात पर उसे यकीन हो गया? हाँ, हो गया सर। वेरी गुड, ये बहुत इराद की बात है, और इराद की बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। हाँ सर, लेकिन राज तो सिर्फ एक को ही जाना चाहिए ना? हाँ सर। तो वो सिर्फ मैं ही जानूंगा। क्या? अलग टेंशन मत लो, मुझे एक आइडिया सूझ रहा। अगर मैं आजी को फोन करके कहूँ कि सूर्य फरार हो गया तो बात नहीं बनेगी ना? उसमें सेंसेशन नहीं, तड़का नहीं होगा, ड्रामेटिक होना चाहिए। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का खून खोलना चाहिए। हाँ, उसके लिए कौन ऐसा करे? अब देखो, माजी को फोन करता हूँ। सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। सर, सूर्य बच के भाग गया। क्या बोल रहे हो? सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमारे जेल के एक संतरी को भी मार के भाग गया वो। Hey, shot him at the point blank range, sir. खून कर दिया? Yes, sir. मैंने आपसे बार बार कहा था, he's a dangerous man, उसे जेल से फरार होने का प्लान बनाया, उसे रोकने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर देने के लिए मैंने आपसे विनती की थी सर। सर, मेरी कैरियर में सर, मेरी कैरियर में एक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा। नो सर, प्लीज हेल्प मी सर, हमारे डिपार्टमेंट की खातिर प्लीज गिव मी श्योर एंड साइट ऑर्डर, आई विल गट हिम माय नेम सर। यस, प्रोसीड। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। यस सर। साहब, किस पुलिस वाले को मारा उसने? ए प्रकाश, तुमने यही कहा था ना, सूर्या को जेल में खत्म कर दोगे। बाहर क्या हो रहा है पता है? फसाद हो रहा है, वो छूट जाएगा। ओए, अखबार छापने वाला तो इतना होशियार है तो मां आईपीएस संबद्ध हो गया? ये बात एक घंटे पहले से मैं जानता हूँ, सूर्या के लिए डेडलाइन फिक्स कर दिया। मैं जो बोलूंगा वही तुम्हारे हेडलाइन में छपेगा कल। क्या मतलब है तुम्हारा? सेंट्रल जेल से कैदी सूर्या हुआ फरार, सुपरिटेंडेंट प्रकाश ने उसे गोली से भून डाला। दिस इज योर हेडलाइन फॉर टुमारो। ये भला कैसे? उसे पालो से फरार करवा दिया और आज इसे शोरन साइड ऑर्डर ले लिया है मैंने। देखो माधव, कल देश भर में तेरा पेपर पहुंचने से पहले उस सूर्या की लाश ये पहुंच जाएगी। सचमुच? ओए, सवाल मत कर, जल्दी फोन करके हेडलाइन प्रिंट करने बोलो। हेलो, मुजरिम सूर्या आईएएस जेल से फरार। ए, 25 लाख कॉपी कल देश भर में पहुंच जानी चाहिए। ओके, जाओ। यहां डेविड। हाँ, मैं ही हूं, मेरे साथ चलिए। ए मुन्ना, बकाओ मत, सिर्फ सुनो। हाँ। आईजी से शूटर साइड ऑर्डर ले लिया, पार्टनर को उड़ा दो।
बजरंगबली। जय बजरंगबली। एक क्रिश्चियन ये कैसे बोल सकता है? ये तो अर्थ चेन्नई से दिया है, इसका मतलब पिताजी मरे नहीं है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? नहीं मैम साहब, उस दिन पुलिस स्टेशन में दो ही लफ्ज कहे थे, मेरे बेटे को छोड़ दिया। उस पे दो और मिला के चार लफ्ज बोलिएगा, मेरा बेटा जेल से रिहा हो जाएगा। हेलो सर, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। हमारे प्लान के बारे में उसे पता चल गया है, मुझे मार कर वो भाग गया सर। शिट। ओ सर, तो भाई सवा शेर हूँ। कल के अखबारों में हेडलाइन क्या है जानते हो तुम? सूर्य एक पुलिस वाले को मार के फरार हो गया, ये हेडलाइन फ्रेम किया है मैंने। अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म कर दिया और थोड़ी देर में वो सब यहाँ पहुँचते ही होंगे। जो भी उनके आने पर सूर्य जेल में नहीं होगा, ये एविडेंस काफी है मेरे लिए। उसके बाद मैंने इनकार किया भी तो आज ही नहीं मानेंगे। आखिर पुलिस वाले को मारा उसने, इसलिए राज्य भर के तमाम पुलिस ऑफिसर्स उसे एक पागल कुत्ते की तरह देखते ही गोली से भून डालेंगे। उसके बाद मेरे पार्टनर का किस्सा खत्म और प्रिया के साथ मेरा किस चलो। फैंटास्टिक प्लान। क्यों भेद? सूर्या, मैंने तुझे पहले ही कहा था, दोबारा मत भिड़ना, संभाल नहीं पाएगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुनो, मैं सरेंडर हो जाऊँ, मुझे अरेस्ट करो, उस पर विश्वास मत करो, मुझे अरेस्ट करो। मैं सरेंडर हो गया हूँ ना।
क्या हो रहा है यहाँ? What nonsense you are doing? जिस कैदी को तुमने कहा था फरार हो गया वो सेल में है, झूठ क्यों बोल रहे हो? आप मुझ पर शक करें सर, वो बच के भाग गया था। ये देखिए सर, वो मुझे जख्मी करके अंदर करके मैं समझ कराऊं सर। ये क्या है? पहले कहा वो भागने का प्लान बना रहा है, तो तुम्हें एडिशनल सिक्योरिटी दी मैंने, फिर कहा उसने किसी पुलिस वाले को गोली मारी तो फायरिंग ऑर्डर दिया, आखिर तुम्हारी पोल इस अखबार ने खोल दी। सर मैं कुछ नहीं जानता सर, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा सर, मैं कुछ नहीं जानता। शायद आप पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना रहे हो। ब्रिंग हिम। इससे सारे स्टेटमेंट ले चुके हैं, गलत न्यूज छपवाने की तुम्हारी सारी साजिश इसने हमें बता दी है। अरेस्ट हिम। तमाम गवाहों और सबूतों से यह साबित होता है कि मुलजिम सूर्या के हाथों जो कत्ल हुआ वो एक एक्सीडेंटल डेथ है, लिहाजा यह अदालत सूर्या को बाइज्जत बरी करती है।